मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9010701 पर। सविदुर्वरेण्यम् सविदुर्वरेण्यम् भगो देवस्य धीमहि। अरे रे 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 रे, अरे कंबाक्त इस नदी के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या? यहीं पर उड़ी मारना था क्या? हाँ तो क्या हुआ, ये जो नदी है वो आपके घर की जायदाद है क्या? और अगर ऐसा हो तो मैं इस बात को जानता नहीं हूँ। हमारे शरीर में पानी गिर गया, देखा नहीं क्या तूने? तो क्या हुआ, तुम्हारा आधा शरीर पानी में ही है और उस पर दो बूंद और गिर गया तो क्या हो गया, काले हो जाओगे क्या? अरे चलो भागो यहाँ, चलो यहाँ, जाओ 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 यहाँ से, निकलो निकलो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो, सांसारिक बातें क्या होती है इसको नहीं मालूम। बाबा जी, आदमी को देखकर बात किया करो, मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ। चलो निकलो निकलो, बहुत हो गया, निकलो निकलो, अगर मुझसे उलझोगे तो मैं इसी पानी में डुबा दूंगा, समझे? चलो 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 चलो। अरे रमणी, बहुत धूप लग रही है, आगे बहुत गहराई है, बहुत देखी है मैंने ऐसी। अरे बाप रे, ए तुम ये क्या कर रहे हो बेशरम? अरे मैं तो इन बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहा आया, बड़ा मस्ती करनी, औरतें जहाँ रहती है वहाँ आकर मस्ती कर रही है। अरे डरो मत, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। अरे नलायक कहीं का, इसको कोई देखने वाला नहीं है इसलिए इतना उछल रहा है। अगर देखना है तो देख लो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जाकर बताऊं। अरे चुप कर कुत्ते। कुत्ता होगा तेरा बाप, योर फादर। तेरी माँ की। अरे रमणी, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? बेकार में इस गुंडे के मुँह लगती है तू, ठीक से नहाकर चली जा। अरे बुड्ढे, जाने तो छोड़ो, अगर मैं शरारत कर रहा हूँ तो तेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? अरे मुझे क्या है, देश में ऐसे ही भूकंप और बमबारी तूफान नहीं आते हैं, तुम जो ये पाप करते हो ना एक दिन उसी वजह से आग लगेगी। दीदी हो गया क्या? मैं अचार पैक करना शुरू करूँ क्या? नहीं नहीं, अभी तुम स्कूल जाने के बारे में सोचो। रहने दो रहने दो, मैं कर लूंगी। देखो दीदी, आपने आटा ठीक से नहीं पीसा, देखो ऐसे करते हैं। आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्यों? क्या 9:30 बज गए? साढ़े नौ बज गए क्या? आज भी मैं लेट हो जाऊंगी। दादाजी कहाँ है? दादी जी मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कब से बोल रही हूँ नहाने के लिए, इसका पढ़ाई करने का दिल ही नहीं है, अचार और पापड़ बनाने में इसका मन लगता है। ये हमारे गुजारे के लिए है। बेकार में पढ़ाई के नाम पर पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? दादी माँ, आपके पैसे से मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, SLC में फर्स्ट रैंक आई थी मेरी, और क्या। अच्छा, मैंने और रमेश भैया ने तुम्हें मेहनत करके जो पढ़ाया है, वरना तुम कहाँ पढ़ने वाली हो? आप लोगों ने पढ़ाया तो क्या हुआ, मेरी पढ़ाई के बिना मैं परीक्षा में पास हो सकती थी क्या? साबुन कहाँ रखा? साबुन वहाँ है, देख ले। ये रमेश का तौलिया है, तुम क्यों लेकर जा रही हो? इसमें उसका नाम नहीं लिखा है, आपको तो दीदी और रमेश की ही चिंता रहती है, इस घर में मुझे क्या फोकट में पैदा किया था? तुम इस तरह ही उसके नाम पे नगाड़ा बजाती चलती हो, ये परिवार कब खत्म हो जाएगा ऐसा लोग बोला करते थे, लेकिन आज देखो कोई कमी है क्या, उसे तो हमें भगवान मानना। अच्छा, चाहिए। अच्छा, तो उसी भगवान का टावल लेकर मैं नहाने जा रही हूँ, ये भी पता नहीं कब सुधरेगी। लड़कियों को इतने भी नखरे नहीं दिखाने चाहिए, जब शादी हो जाएगी तो पति उसको बराबर सबक सिखाएगा। वो तो पुराने जमाने की बात है, आजकल की लड़कियों में बहुत टैलेंट होता है मैडम, नहीं तो जैसे दीदी के साथ हुआ। ए पापड़ वाली, आधे पापड़ दो। अरे ऐसे मत देखो यार, तुम्हारी आंखें बल्ब जैसी चमक रही है। क्या बात है दादी माँ, वो क्या बात है सदानंद? अरे कुछ नहीं, पापड़ देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, अनजाने में मैंने उसे देख लिया। जिस घर में लड़कियां रहती है उस घर में तुम्हें नहीं झांकना चाहिए, मेरे घर में अपना तुम जाल मत बिछाओ। तो फिर एक बोर्ड लगा कर रखो, उस पर ऐसा लिखो कि इस घर में जवान लड़कियां रहती है, नजर नीचे करके जाओ। जाकर तुम अपने घर पे बोर्ड लगाओ, वहाँ भी तो एक बुढ़िया है ना, इस भूलो की रम्मा। ए बुड्ढे चलिए। अरे तुम छोड़ो,
दो गाली लेके आती हूँ, बड़ा आया हमें डराने वाला। चुपचाप चली जा, इस आदमी की मुंह मत लगी। कहीं का इंजन तो पुराना है फिर भी देखो पिकअप बुड्ढी का। अरे अरे गोपाल भाई अंदर आ जाओ, भाई का घर है। क्या बात है सदानंद, इधर देखो ना क्या चल रहा है। क्या तुम्हारे घर की लड़कियां है ना जो पापड़ सुखा रही थी, मैंने अनजाने में उसे देख लिया। मैंने कहा आधा पापड़ मिलेगा क्या, ऐसा मैंने बोल दिया। वो बुड्ढी देखो मेरे ऊपर चिल्ला रही है, इसमें मेरी क्या गलती है। जाने दो उसे, छोड़ो। ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता ना, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ है तो गोपाल भाई मुझे मारो मारो मारो। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो सदानंद उसे। तो फिर मैंने कुछ गलती नहीं किया, सही है ना। नहीं है। तो फिर मैं देख भी सकता हूँ और आधा गड्डी पापड़ भी मांग सकता हूँ, है ना। वो दुखी लड़की है, उसके साथ बहस मत करना, मासूम है। मैं भी मासूम हूँ गोपाल भाई, तो एक मासूम ही दूसरे मासूम का सहारा दे सकता है ना। हाँ बराबर। ये हुई ना बात। पापड़ को खराब मत करना। सांस अंदर खींचो, अब छोड़ो। जरा अपना मुंह खोलो। अरे इस तरह पलट कर दिखाओ, जी बाहर निकालो। कभी कभार दांत भी साफ कर लिया करो। एक्सरे निकाला है, लेकर आए हो? यही है सर, देख लो एक बार, सब दिख रहा है ना। 5 टाइम के गोली लिख कर दे रहा हूँ, बाहर से खरीद लेना। हाँ। एक सिरप भी है, उसे भी बाहर से ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। और एक दूध जैसा बोतल का दवा भी है, वो भी वहीं से मिल जाएगा। हाँ मैं बाहर से ले लूंगा। अगर 10 दिन के अंदर भी कोई फर्क नहीं लगा तो खून और पेशाब की चेकअप के लिए तुम्हें यहाँ पर वापस आना। उसे भी बाहर से करा लूंगा। बाहर से कराना ठीक होगा, अभी जाओ। बाहर जाना है ना? नहीं अंदर जाना है। आप तो बार बार बाहर जाने की बात कर रहे थे इसलिए पूछा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? दवा अंदर नहीं है इसलिए बाहर से खरीदने को बोला मैंने। तो फिर बाहर दरवाजे पर ताला लगा दो और चलो, बेकार में क्यों जनता को परेशान करते हो। पैरासिटामोल के अलावा इस हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं है, हम डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं। आप बैठ जाओ, क्या तकलीफ है? पीछे दर्द हो रहा है सर। तो ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दर्द है। आप दवाई लिख कर दीजिए, मैं बाहर से ले लूंगा। पेट दिखाओ। सर वो जो जॉन्डिस पेशेंट थे ना लीला कृष्ण, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं सर नहीं मरे, हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया था, अब तक लेकर नहीं गए। कोई दूसरा आदमी आकर चेक करके दवा दे रहा है। मेरे पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल में ही आकर कोई दवा दे रहा है, कौन है वो? हे माँ रक्षा करिए। इतने सालों से हम लोग तकलीफ उठाकर अपना परिवार चला रहे हैं, इस तरह होने के बाद यहाँ आकर 1 महीना हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसकी किडनी तक निकाल ली बेटा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ भी ये चल रहा है, मुझे इसकी जिंदगी दिला दो, इतना काफी है बेटा। माता जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से प्रार्थना कीजिए, उस टेबल के पास जो पानी है वो दीजिए। काम कर रहे हैं। तुम्हें भी कोई परेशानी है क्या? नहीं काम कर रहा है कि नहीं ये चेक कर रहा था, मशीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ रमेश। मेरे हॉस्पिटल में आकर तुम कैसे मनमानी कर रहे हो? मैंने सिर्फ दवाई दी है डॉक्टर। दवा देने वाला तू कोई डॉक्टर है क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन दवा दे सकता हूँ, होम्योपैथी मैंने घर से पढ़ाई की है। अरे एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। सिस्टर पुलिस को कॉल करो। डॉक्टर मेरे बच्चे के साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मैं बहुत तकलीफ से उसे यहाँ लेकर आई हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, बाल बच्चे हैं उसके। मैंने सुबह ही बोला था ना तुम्हें मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए पैसा नहीं है डॉक्टर, इस बच्चे का गहना गिरवी रखकर मैं यहाँ पैसा जमा की हूँ। अरे बुद्धू ये कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके आया है क्या? मेरा विश्वास है मेरे बच्चे को बचाने के लिए इसकी दवा काम करेगी। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है सिस्टर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहकर अपनी मनमानी दिखाने वाला ये होता कौन है? ऐसा करना गलत है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ाई करता था, उसकी माँ का रोना देखकर मैं प्रोटोकॉल भूल गया, क्योंकि सर एक इंसान की जिंदगी बचाना भी तो जरूरी है ना सर। जिंदगी देने वाला तू कोई भगवान है क्या? इस पेशेंट की पल्स भी नहीं चल रही है, तू अपनी मनमानी से दवा देगा, अगर ये मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा? अगर दवाई नहीं दी और ये मर गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगे? मैंने जो मेडिकल से पढ़ाई की है उसके हिसाब से दवाई दे दी है,
बेटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए बोला था, लेकिन ये यही है। मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी इतने में पूरी हो गई? तो फिर मैं क्या करूं? इस बीमारी को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई जादू नहीं। मेरे पास जादू है सर, सिर्फ दो डोज दवाई दी है, एक डोज बाकी है, जरा उसे भी देने दीजिए, फिर देखते हैं सर। मेरे से मत पूछो। देने दीजिए सर, जो भी परिणाम होगा हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। दे दो क्या सर? ठीक है दे दो, जरा मुझे भी तो तुम्हारा जादू देखने दो। हे भगवान रक्षा करिए। कोई सुधार दिख रहा है क्या बेटा? चिंता मत करो, आपके साथ भगवान है। डॉक्टर, आपके सामने मुझे इसको चेक करने के लिए थोड़ी झिझक हो रही है, क्या आप मेरे लिए हार्ट बीट और पल्स को चेक करेंगे सर? मैंने इस बारे में पढ़ाई नहीं की है सर, जरा देखिए ना प्लीज। आप कैसे हैं डॉक्टर? बेटर है, पल्स चल रही है। दिल धड़क रहा है डॉक्टर? हाँ धड़क रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सिस्टर सर्विस स्टार्ट करो। वो आदमी कहाँ गया? अचार अचार अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार। अचार बोले तो जवानी के उम्र में मैंने देखा तो, आंवले का अचार, आम का अचार, एक नंबर का अचार, बहुत स्वादिष्ट अचार है। चालू कर दिया क्या? सिस्टर आपको चाहिए? नहीं क्या? चाहिए। अरे नहीं चाहिए, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? खरीद लो, सैंपल ले लो, टेस्ट करो, अगर अच्छा लगा तो बोल दो, दोपहर के खाने वक्त अचार खाइए। बोला ना मुझे नहीं चाहिए। संगीत जैसा आचार खाया कीजिए, आचार नहीं संगीत के जैसा समझ कर खाओ। हे मिस्टर। हाँ हाँ डॉक्टर, आपको कौन सा आचार चाहिए? कड़वे आम का देता हूँ, आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं क्या? तुमने ऐसी कौन सी दवा दी? ओ, एक जड़ी बूटी की दवा थी। सॉरी यार, मैंने जो बोला तुम दिल पे मत लेना, हम तो मान चुके थे कि वो मर जाएगा। सर मौत को तय करने वाले हम कौन होते हैं, उसे तय करने वाला ऊपर है ना। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, कुछ भी हो उस दवा का नाम बताओ, आगे इस तरह का कोई आएगा तो दे सकते हैं ना। होम्योपैथी में डॉक्टर आप जो बीमारी का नाम बोलते हो ना, बीमारी मरीज को नहीं, बीमार को मरीज के भावनाओं के हिसाब से दवा बदलेगी। अभी जो मैंने लीला कृष्णन को दवाई दी थी, किसी और को दूंगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए इस दवा के बारे में कुछ बताऊंगा तो कुछ फायदा नहीं है। वैसे दवाई का नाम कीमत के हिसाब से दवा देने वाले का दिल भी मायने रखता है, प्रार्थना करके देना चाहिए तभी फायदा होगा। वैसे पानी देने से भी फायदा मिलेगा, यही मेरी जादू है सर। सॉरी सर, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ऐसे मत समझना। आपको आचार कौन सा चाहिए? आचार बहुत बेस्ट है। ठीक है एक दे दो। कितने का है? 40 रुपये। होम्योपैथी तो मेरी सिर्फ हॉबी है, फ्री, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश, और जिनको रमेश पसंद नहीं वो मुझे हनुमान कहते हैं। हनुमान? डॉक्टर हनुमान नहीं, हनुमान। बाकी का रख लो। नहीं रख सकता सर, जिस पर हक नहीं है इसका इस्तेमाल करके भी ये मुझे हजम नहीं होगा, नहीं चाहिए सर। अरे देखो अपना हनुमान आ रहा है। अरे सुधाकर देखो अपना हनुमान आ रहा है। अरे हनुमान। अरे क्यों बेचारे? अरे हनुमान ने कुछ बोला क्या? अरे हनुमान आ रहा है, आने दो आने दो हनुमान। अरे वो यहीं आ रहा है, आने दो आने दो। किसने बुलाया क्या? हम लोगों ने नहीं बुलाया। नहीं, किसी ने मुझे लंबे से हनुमान करके पुकारा। सर आपने बुलाया क्या? तुम्हारा नाम रमेश है ना, तो हनुमान क्या है? पागल लोग मुझे हनुमान ही कहते हैं। तुम्हें हनुमान नाम से नफरत है तो हनुमान बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हनुमान नहीं, हैमैन, डॉक्टर सैमुअल हैमैन, द फादर ऑफ होम्योपैथी। जो पागल लोग हैं उन लोगों को दवाई देता हूँ। इसका मतलब मैं पागल हूँ? बाकी लोगों से पूछकर समझ ही पाओगे, या फिर चेक करके इलाज करूँ क्या? नहीं चाहिए, तुम पानी फेरने का काम मत करो, एक खेच कर दूंगा ना तो तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, तो हनुमान कहलाने के लायक नहीं रहोगे। सही कहा, ऊपर वाले ने सेहत अच्छी दी है ना, तो तुम उसे चाहो तो मार सकते हो, मार गिनाने के लिए एक काटा ही काफी है।
सदानंद, मैं बहुत तकलीफ उठाकर जिंदगी जी रहा हूँ। मैं भलाई करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकता। यही मेरी जिंदगी है, मेरे रास्ते में मत आना। अरे ये फंसने वाला नहीं है। क्यों अफसोस हो रहा है? घर पर दो जवान लड़कियां हैं तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। वानी मर जाना है। अरे उसमें बैठाओ। अरे उसमें बैठ जाओ। अरे इतना फास्ट मत चलाओ, नहीं मुझे तकलीफ हो रही है। अरे उड़ी मत मारना। मैं बोल रही हूँ ना, रुको, मुझे उतरना है, मुझे यही उतरना है, रुको। इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, हम जरा लंबे सफर पर घूम रहे हैं। रुको, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, रुको यहीं पे। अरे चिल्लाने जैसा मैंने कुछ नहीं किया, कितने दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था, पता है? हम आपस में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, आराम से मैं तुम्हें घर जाके छोड़ दूंगा, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। अभी इधर किधर जा रहे हो? स्वर्ग जा रहा हूँ। अब मैं कूद जाऊंगी। कूदोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। भगवान मुझे कुछ मत होने देना। अरे रुको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फिर से आया था। तुम दवाई देकर सबको ठीक कर रहे हो, लेकिन वो सदानंद बहुत परेशान कर रहा है सबको। दादी माँ आप रो मत। कुछ नहीं हुआ, इनको ठीक होने के बाद जा सकते हैं। क्या इसका यही इलाज है? क्या मारना चाहता है? मैं तो ऐसे जा रहा था, पता नहीं क्यों कूद गई। कूदना तो बहुत अलग बात है, 3 साल हो गए उसकी जिंदगी से कूद कर, 1 मिनट में तूने सब खत्म कर दिया। तुम्हें इंक्रीमेंट तो मिलेगा, आज अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो आगे ये खेल बढ़ता ही जाएगा। तुम मर्द हो या नहीं? दीदी, तुम कहाँ थे अब तक? दादी माँ, रहने दो, मत जगाओ। हम लोग कब से वेट कर रहे थे। आराम से। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। हाँ, क्या हुआ, क्या बात कुछ है? नहीं, इधर आओ।
अरे ये चोट कैसे? अरे चिल्लाओ मत, मैंने गलती से सदानंद को फिर क्या हुआ? सदानंद को चाकू मार दिया, गलती से हुआ। हे भगवान, तुमने उसे मार दिया क्या? चिंता मत करो, वो मरा नहीं है और मरेगा नहीं, अस्पताल में है और वो मरेगा भी नहीं। कहाँ? कभी भी अस्पताल से आएगा तो वो मुझे मारेगा, लेकिन मुसीबत तो तुम लोगों को उठानी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मैं जाकर दादी माँ को बुलाती हूँ। अरे दीदी, दीदी मत बुलाओ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस बेकार में परेशान होकर और परेशानी बढ़ेगी दीदी। कल पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी, उसके पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम बस दादी को समझा देना। मैं क्या बोलकर समझाऊंगी? तुम कहाँ जाने वाले हो इतना तो बताओ। पांडवपुरम। पांडवपुरम? हाँ। वो कहाँ है? आंध्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर। मैंने उस दिन लीला कृष्णन को दवा देकर बचाया था ना, वो वहीं रहता है। वहाँ जाने के बाद अच्छा काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ऐसा बोला था उसने। मैं कितना भी सोच रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। पांडवपुरम लीला कृष्णन कह रहा था बहुत अच्छी जगह है। चलो आओ जल्दी। हाँ चलो आओ आओ। पेरू लो, पेरू पेरू। सर सर लेंगे क्या? खा कर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है, लीजिएगा सर। कितने की है? बहुत बढ़िया टेस्ट रहेगा सर, खा कर देखिए। टमाटर है क्या? ऐसी कीमत कितनी है? व्हाट इज द रेट, हाउ मच? बहुत मीठा है साहब, एकदम बढ़िया। हिंदी नहीं मराठी माइटे का? ऐसी कीमत कितनी है? 10 का 10 है सर। अरे बाप रे, हर भाषा बोलता है। ठीक है, 10 दे दो। पापड़ लीजिए, पापड़, पापड़ लीजिए, पापड़, घर का बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है। ये लीजिए सर, पूरे 10 है। सस्ता सस्ता लीजिए। मेरे पैसे खो गए सर। अरे गाड़ी रोको, पर्स चोरी हो गया। क्या हुआ भाई? अच्छा, मेरा पर्स तुमने चुरा है क्या? दे दो मुझे। अरे क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पैसा मेरे बैग में नहीं है, जेब से चोरी हुआ है। कंडक्टर कंडक्टर, पिक पॉकेटर पिक पॉकेटर। क्या हुआ, क्या बात है? अरे इस आदमी ने मेरे पॉकेट से मेरे पैसे चुराए, पुलिस स्टेशन कर ले लो। अरे तुमने इसका पर्स चुराया क्या? पर्स? हाँ हाँ, पर्स तुमने मेरे पॉकेट से चुराया था ना। अगर पागलों जैसा बात किया तो तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। छोड़ो, मैंने कब तुम्हारा पर्स चुराया? जाने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे ये झूठ बोल रहा है, इसके पीछे मैं देख रहा था, मैंने इसका पर्स नहीं चुराया। अभी अभी बस में चढ़ा है, इसने पर्स नहीं चुराया है। अरे यार, फिर मेरे पीछे एक दाढ़ी वाला बैठा था ना, वो कहाँ गया? वो तो पांडवपुरम में उतर गया। पांडवपुरम? हाँ। पांडवपुरम गया क्या? इसके पहले पांडवपुरम में गाड़ी रुकी थी ना। अरे गाड़ी रोको, मुझे वहाँ उतरना था। रुको रुको, साइड साइड, स्टॉप स्टॉप, ब्रेक नहीं, रुको रुको। अरे उतर, अरे बैग ले लो यार। कहाँ उतर रहे हो? ले दो यार। अरे अरे, मेरा पर्स, कंडक्टर मेरा पर्स किधर है? उतर उतर उतर, चलो जल्दी गाड़ी बढ़ाओ। पर्स नहीं मेरा, गाड़ी बढ़ाओ जल्दी, गाड़ी बढ़ाओ। अरे बाप रे, मेरा पर्स नहीं है, फोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कंडक्टर, अरे मेरे पास कुछ नहीं है। ए भगवान, मेरी रक्षा करना। इतना ही पैसा बचा। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अरे बसंती, वहाँ देखो एक सुंदर राजकुमार। मंगल शुभ मंगल। अरे मेरा पैसा, अरे पैसा, अरे मेरे पास कोई पैसे और नहीं है। आइए मेरा राजकुमार, अरे पैसा दे दो। अरे मेरा पैसा, पैसा देकर हमारी रक्षा करो स्वामी। अब ये क्या है? दो ना, दो ना। अरे अरे देना, अरे दे, अरे देना, दे दे। अरे कंजूस कहीं के नाश हो जाए तेरा, जा। अब ये क्या है? पहाड़ में जा। वासनी वासनी, जल्दी आओ। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। चलो 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 चलो। कैसा जमाना है? हट 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 हट। अरे पीछे मत आना, साइड जा। अरे हाँ तो मराठी आए, घोड़े गाड़ी वाले।
ओ घोड़ा गाड़ी वाले, आओ घोड़ा गाड़ी वाले, आओ घोड़ा गाड़ी वाले, थामा यही आओ, आओ घोड़ा गाड़ी वाले, आओ घोड़ा गाड़ी वाले, थामा, आओ घोड़ा गाड़ी वाले, थामा ना, थामा थामा थामा। अरे पागल है क्या, मरना चाहता है क्या? इस तरह अंधे होकर घोड़े के आगे क्यों दौड़ रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं है। आप मराठी हो ना? क्या आप ये वो करके बहाना मत बनाओ भाई साहब। आपके चेहरों को देख के पता चल रहा है कि आप मराठी हो। दादा मैं खूब मोटा प्रॉब्लम मध्ये आहे। माझे कोणीतरी पैसे चोरी केले, माझी मदत कराल का? प्लीज लीला कृष्ण माहिती आहे का तुम्हाला? भाई कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? आता गप बसा, मराठी मध्ये बोला। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बोलो। अरे आता हे मी हिंदी मध्ये कसं बोलू? तू मराठी आहे, मी मराठी आहे, तुम मराठी हो, मैं मराठी हूँ। बेवकूफ, तुम पागल हो क्या? अरे मैं मराठी नहीं हूँ, दारूबीड़ी। दारूबीड़ी? हाँ। मेरे पास तो दिनेश बीड़ी है। मजाक करता है? अरे भाई प्लीज हेल्प मी। तुमको लीला कृष्णा मालूम? कौन है? लीला कृष्णन, केरला, केरला वट्टपाला, मेरा दोस्त। तुमको मालूम? मैं किसी को नहीं जानता। जा मुसीबत कहीं का। अरे हंसने के लिए कोई भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दुनिया नहीं होता क्या? चांद तक पहुंच गया लेकिन मराठी में बोल लो, तू ऐसा क्यों बोलता है? पता नहीं चल रहा है कहां कहां से चले आते हैं। जेब में 10 पैसे भी नहीं है और मदद के नाम से ठहरना, खाना खिलाना नालायक कहीं का। हट हुर्र। ए भगवान क्या बोलूं मैं तुम्हें, कन्नड़ा आती नहीं, तमिल जानता नहीं, हिंदी पता नहीं, तेलुगु आती नहीं, तो फिर जानते क्या हो? पता। तो तुम कौन सी भाषा जानते हो? मराठी जानता हूँ सर। मराठी? इस पांडवपुरम में मराठी को लेके क्या करने वाले हो लीला कृष्णा? हाँ जी। वैसे उसकी उम्र कितनी होगी? वो औरत नहीं है, आदमी है, लीला कृष्णन। दिखने में मोटा है क्या? हाँ मोटा है। थोड़ा लंबा है क्या? लंबा लंबा? हाँ थोड़ा लंबा है। थोड़ा काला है? हाँ बहुत काला है। वैसे कृष्णा बहुत दिन पहले यहाँ रहा करता था, मलयाली था। आप कहाँ है? मर गया। अरे वो पिछले साल मर गया। हे भगवान, इंसान की कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल? अरे पिछले साल? हाँ। अरे पिछले महीने तो लीला कृष्णन से मुलाकात हुई थी। लीला कृष्णन जिंदा है, लीला कृष्णन अभी भी जिंदा है। अरे एड्रेस मालूम नहीं, वो कहाँ काम करता है वो भी मालूम नहीं, फिर कैसे ढूंढोगे उसे? हाँ आप तो सही कह रहे हैं, बिना एड्रेस के वो किसी को ढूंढना। अरे क्या हो गया तुझे? मुझे? स्वामी अरे लो मैं आ गया पांडवपुरम। स्वामी हर किसी से पूछ लिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। किसी से भी पता चल जाएगा क्या, क्या वो पार्टी लीडर है या जिला कलेक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एसएससी फेल है। कहां से आया ये? ये तो शेर की पूंछ को पकड़ने से हुआ। अरे सुबड़ू, सुबड़ू। अरे लीला कृष्ण कौन है तू जानता है क्या? लीला कृष्ण पता नहीं, रामकृष्ण पता है, रामकृष्ण अभी नहीं है। सुन लिया? अरे बैग नहीं है, वो गाँव में दो भैंसे हैं। मराठी है? मराठी है क्या? पहले इन लोगों पर भरोसा नहीं करने का, इन्हें भेज दो। क्या बोल रहे हैं? कहाँ भेज दो बोल रहे हैं? क्या कहा इसने? चल बताता हूँ, उसने जो बोला समझ गए, मराठी पे भरोसा नहीं करने का। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। स्वामी मैं एक मासूम हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, इस बस्ती में कोई मराठी नहीं है। फिर कहाँ मिलेंगे स्वामी? आपके पहचान के कोई मराठी रहते हैं क्या? मराठी एक आदमी है, वो जाड़िया। अरे कहाँ 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 रहता है वो बताइए स्वामी। उसका घर मालूम नहीं और उसका पता वो भी पता नहीं, लेकिन इसी रास्ते से रोज घोड़ी गाड़ी से जाता है वो। तो मैं काम करूँ, मंदिर के बगल में रामानुज नाम का एक आदमी है, उसके घर में वो हर रोज एक लड़की को डांस क्लास दिलाने के लिए लेके जाता है, वहां जाकर पूछ लो। रामानुज बोले तो ठीक है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, एक बार जाकर देखना चाहिए। अच्छा ना? हाँ अच्छा है। स्वामी, स्वामी। शिवानी? शिवानी क्लास खत्म करके चली गई। ऐसे कैसे, कब? 10 मिनट हो गए, तुम कहाँ गए थे? चाय पीने के लिए गया था। शिवानी चली गई? हे भगवान, शिवानी कहाँ चली गई? आज देवांग मुझे मारेगा। बाड़ा शिवानी। हा? बाड़ा शिवानी, ये तो मराठी है। सर अभी अभी यहाँ मलयालम गाना किसने गाया पता है? क्या बात है भाई? मलयालम गाना? मलयालम मेल सिंगर के बारे में पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, फीमेल सिंगर। फीमेल? चित्रा क्या? नहीं भाई,
यहाँ कोई एक लड़की मलयालम में गाना गा रही थी, आपने सुना क्या? वो मलयालम लड़की कौन है पता है? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने भी स्वामी के कपड़े पहन के रखे हैं, क्या मुसीबत है। उस हरामखोर लीला कृष्णन को मारना चाहता हूँ। अभी मैं कहाँ का जाकर ढूंढूंगा। आयुष्मान भव नहीं चाहिए। मेरे गुरु अप्पा, मैं जहाँ कहीं भी देखूं तू ही तू नजर आता है। लीला कृष्णन, लीला कृष्णन कौन है? यही यहाँ? अरे तू दो बच्चों का बाप है और यहाँ ये बनकर रहते हो? कौन है तुम? कौन है तुम? ए रुक रुक रुक, लीला कृष्णन रुको। कौन है तुम? अरे तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जब तुम हॉस्पिटल में आकर मर रहे थे तब मैंने तुम्हें दवाई दी थी। नहीं, तुम पागल आदमी है। हैं? चोर, चोर। अरे लीला कृष्णन, लीला कृष्णन, चोर, बचा। अरे मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ कर भटक रहा हूँ यार। मैं लीला कृष्ण नहीं हूँ, मेरे अंदर हृदय है, मेरी जान बचा। अरे रुको, मेरे को नहीं मालूम। अरे मेरे को नहीं मालूम, मेरी जान बचा, बचाओ। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे बाप रे, मारो मारो इसे, मारो 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 इसे, भगाओ इसे, भगाओ 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 इसको, मारो मारो, पकड़ो। अरे लीला कृष्णन मेरा फ्रेंड है, उससे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अरे वो लीला कृष्णन औरत नहीं, आदमी है, वो दो बच्चों का बाप है। अरे ये इंसान को ठीक से जिंदगी भी नहीं गुजारने देते ये आवारा लोग। हे भगवान, मैं किस टाइम पर यहाँ आया, क्या सोचा था, मैं कहाँ आ गया। सर सर, रूम चाहिए क्या? अकोमोडेशन बहुत अच्छा है सर, बहुत सस्ते में मिलेगा। चीप नहीं चाहिए मुझे, 5-स्टार होटल है क्या? बहुत पैसा है मेरे पास। आप मलयाली हो? हाँ। तुम मलयाली हो क्या? मलयाली नहीं लेकिन मलयाली जानता हूँ। 5-स्टार होटल नहीं है लेकिन ठहरने के लिए अच्छा है, मलयाली फूड मिलेगा, बेड है, सब मिलेगा। नहीं, अगर वैरायटी चाहिए तो वैसा भी जगह है, आंध्रा, कन्नड़ा, हिंदी, नेपाल, बोलो सब एडजस्ट करके देता हूँ। फुल फैमिली अटैचमेंट। फैमिली अटैचमेंट क्या है? घर जैसा रहेगा सर, घर जैसा सब कुछ मिलेगा, सेफ्टी सर, आप हस्बैंड वाइफ जैसे रहेंगे, चलेगा? अच्छा, ना सर, ऐसी बात है क्या? उसके लिए कोई दूसरा नहीं है क्या? तो मैं नहीं जाऊंगा नालायक कहीं का। इसके लिए किस्मत होनी चाहिए। आया बड़ा मलयाली फैमिली। अरे भाई साहब। हाँ, रुक 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 रुक। ओरिजिनल मलयाली फैमिली है क्या? शुद्ध मलयाली है, पांडवपुरम में एक ही मलयाली है, बड़े बड़े हस्ती लोगों के आने जाने की जगह है, डांस गाना सब है, खुशी से रह सकते हैं। आपको क्या चाहिए सर? नहीं, वाह। और रंडी की बच्ची कहाँ है? कौन सी रंडी की बच्ची? रानी। वो तो कस्टमर के साथ है। वो चला गया क्या? उसे बुलाओ। और 10 मिनट बाकी है। होने के बाद उसे आने के लिए कहो। इन लोगों से तो कोई काम नहीं बनता। अरे वाह, आइए आइए भाई साहब, आपके लिए एकदम छोटी लड़की मिली, आज आप सोए नहीं? ये छोटी लड़की है क्या? 20 साल पहले छोटी हो सकती थी। क्या भाई साहब, इतनी छोटी लड़की का सिर्फ 2000? थोड़ा और दो भाई। इसके लिए 2000 भी ज्यादा है, गौड़ा के घर जाऊंगा तो इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। अरे, लकड़ी जल के लेकिन बल नहीं गया।
भाई साहब, थोड़ा एक्स्ट्रा तो दे दो। 2000 से ज्यादा बोलेगी तो मैं नहीं लूंगा। मैं गौड़ा के घर जा रहा हूँ, पैसे दे। तुम चिंता मत करो भाई साहब, तुम्हें अच्छे से ओपनिंग दूंगी मैं। आई हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहाँ तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ? तू पागल है क्या? चल जा यहाँ से। दादी माँ, एकदम खूबसूरत लग रही हो। हाँ, एक जमाने में सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, सोने भी नहीं देते थे। हम लड़कियों को देखकर आदमियों को पिघल जाना चाहिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए। संगीत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये लोग तो बकरे जैसे चल रहे हैं, कौन इन पे ध्यान देगा। तेरी सुंदरता को देखकर कोई भी महाराजा पिघल जाएगा। नाच गाना ये सब अच्छे से सीखो, भगवान ने इस दुनिया में अच्छी चीजों को भी बना के रखा है इंसान की खुशी के लिए। अभी वो राजकुमार कहाँ है दादी माँ? वो सब पुरानी बातें हैं। अरे अभी भी यहाँ है, उस जमाने के कुछ लोग अभी भी दिखाई देते हैं। पहले हैदराबाद में एक नाचने वाली देवदासी थी जो अभी भी दिखाई देती है। उसके ऊपर अपना प्यार और दिल खो बैठा था एक राजा, अपना सारा राजपाट उसके नाम पर कर दिया था। शिवानी, रामायण सुनना काफी है, बस इधर आ जाओ। मैं अपने बेटी के साथ बात कर रही, तो तुझे क्या पड़ी है? पावर दिखाने से वो तुम्हारे काबू में नहीं आएगी। हाँ, मेरे से झगड़ा मत करो। हाँ, मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। बेटी तुम आ जाओ। अहंकार है इसे, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करती, घमंड है इसे। क्या पार्वती दीदी, किसके साथ झगड़ा कर रही हो? अरे राजा मनी, शिवानी यहाँ कौन है? किसी की जायदाद तो नहीं है ना? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही, तो महारानी जल रही है। अरे छोड़ो पार्वती दीदी, शिवानी को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए ज्यादा प्यार। बस इतना ही ना, मैंने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं ना। अरे छोड़ो, जाने दो, अभी उस बारे में झगड़ा करेंगे तो रानी भी चली जाएगी। इसलिए अच्छी लड़कियों को यहाँ लाने के लिए बोल रही हूँ। जो लड़कियाँ अच्छी नहीं उन्हें यहाँ से भेज दो। अगर ऐसा है तो पहले इसे भेजना होगा। अरे मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में? सबकी परिस्थितियाँ ऐसी है, गाँव जाएंगे तो कोई हमें इज्जत देंगे क्या? इसलिए झगड़ा मत करो, खुशी से जिंदगी बिताओ, समझी? रानी माँ, बुखार है क्या? थोड़ा सा है, लेकिन तुम्हारे हाथों से ठंडक महसूस हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा। अरे यार, तुम ऐसे क्यों सो रही हो रानी? 4-5 कस्टमर अभी भी बाकी है। अरे मेरा 2 बार हो गया है, यहाँ और भी औरतें हैं ना। अरे उनके होने से क्या फायदा, तुम जरा जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे तकलीफ हो रही है मनी भाई, सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम कैसे भी करके मैनेज कर लो, देवांग मेरी आंखें नोच लेगा। मैं आकर देवांग को समझाती हूँ। ये हुई ना बात। अरे शिवानी, तुम आकर बात करोगी तो पूरा पानी फिर जाएगा, गाली मत निकलवाओ। हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो रानी। क्या मुसीबत है। चलो चलो चलो। ओह मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या होगा, जो भी मिलता है उसे अच्छे से खा रही हो और भूखा मरने वाले जैसे नाटक कर रही हो। अली भाई।
किसी भी लड़की को सेलेक्ट करके उसके साथ खुशी से रह सकते हो। 50 रुपया चिल्लर नहीं है, 40 काफी है क्या? बहुत अमीर है क्या? मेरे पास अचार है, 40 रुपए की है, अगर 50 रुपए की चाहिए तो एक दे देता हूँ, 30 रुपए बाद में दे देना। क्या रे, तू तो बोल रहा था बहुत अमीर है। क्या कर रहे हैं सर, पैसा दीजिए ना। देने के लिए पैसे भी होने चाहिए। बहुत तकलीफ उठाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक मल्लेली को ढूंढ निकालने के लिए इतने दूर आया हूँ। इसके अलावा इसने जो भी बताया उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे नालायक, हराम खोर, मेरा मजाक उड़ाता है। चमड़ी उतार दूंगी कुत्ते की औलाद। दीदी मेरी बात तो सुने, कुछ मत बोल। अरे मेरी बात तो सुनो, तुझे मैं मार डालूंगी कमीने, बाहर निकल। तकलीफ मत दो। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो? अरे भाई साहब, ये आपका घर है ना? हाँ तो? तो आप तो बता दीजिए, आप मल्याली हो? मैं मल्याली हूँ, तुम कैसे जानते हो? अभी आप जो बोल रहे हो वो मल्याली है। अरे नहीं सर, आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर हैं? पुलिस? ओह पुलिस है। अरे मनी भाई, पुलिस। पुलिस भागो। शिवा, अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अब हम क्या करेंगे? शिवानी किधर है? शिवानी पुलिस, पुलिस भागो, भागो यहाँ से, निकलो निकलो, भागो यहाँ से, चलो चलो, उठो जल्दी। ए रुको, कोई भागेगा नहीं, सुनो रुको। शिवानी पुलिस, चलो मेरे साथ। इसे मैं देख लूंगी। नहीं। अरे रानी, जिद करने का समय नहीं है, छोड़ो इसे। क्या रे, ये कौन है? नमस्कार सर। ए कौन है, कौन है, कौन है तू? मैं डॉक्टर हूँ। ओ नमस्कार सर, डॉक्टर ट्रीटमेंट। नहीं चलो बेटी, ऊपर चलो। अरे बाप रे, पुलिस। अरे रास्ता छोड़ो, वहाँ पुलिस है, इधर चले जाओ। पुलिस जाने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम जाके सो जाओ। पुलिस को धोखा देकर तुम धंधा कर रहे हो? बिल्कुल सही, दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। चुप करो, झूठ बोल रहे हो तुम, बाहर निकलो। अरे देवू, वो लोग शिवानी को ढूंढ रहे हैं। पर क्यों? वो एक फिल्म स्टार छोटी सी बच्ची, वो कहाँ है ऐसा पूछ रहे हैं। तुमने बता दिया क्या? अरे मैंने नहीं बताया। मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है, इस बारे में किसी से बात नहीं करना। तुम पागल हो, कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम नहीं जानते हो? नहीं सर, मैं सिर्फ मराठी जानता हूँ। हिंदी? नहीं। तमिल? नहीं सर, सिर्फ मराठी जानता हूँ। शिवानी किधर है? शिवानी नहीं जानता सर। झूठ बोलेगा तो दांत तोड़ दूंगा। रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब। ना 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 ना, वो अपुन का आदमी है, मेरा देवयानी। हाथ मत उठाना, क्या मांगता है तुमको? पैसा? शिवानी वो छोटी बच्ची है, वो बिजनेस का माल नहीं है। वो कहाँ है? शिवानी देवा, मेरी बेटी को फंसा मत। चुप कर, अगर सर चाहते हैं तो देना ही पड़ेगा। बेटी शिवानी। शिवानी, शिवानी ये यही है सर, शिवानी। हाँ शिवानी, ये दुबली पतली। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे डीएसपी सर तो बोलते हैं फिल्म स्टार दिखती है। हाँ यही है सुपरस्टार। इसका चेहरा देखो, इसका शरीर देखो, इसकी हंसी देखो, समझ गए ना? मैं कुछ नहीं जानता। स्टेशन जाने पर डीएसपी सर देखकर फैसला लेंगे। अरे सब लोग चलो चलो निकलो, चलो चलो, धंधा करने बैठे यहाँ पे, चल चल आगे चल। ए देवयानी, इसे बहुत देखी है, चलो। कौन है, कौन हो तुम? डरो मत, डरो मत, मैं पुलिस से बचकर यहाँ आया हूँ। यहाँ क्यों आए हो? दिवांग के लोग देखेंगे तो मार डालेंगे। उन्हें लेकर पुलिस चली गई, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कल सुबह तक मैं इधर ही ठहर जाता हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। इधर? अरे कहीं पर भी रहने दो, कोना भी मिलेगा तो चलेगा। कहीं भी जाकर सो जाओ, जहाँ किसी की नजर ना पड़े।
ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये एक जादू जैसा है। पुलिस वाला भी देखकर तुम्हें सैल्यूट कर रहा था। क्या कर रहा था? डॉक्टर हो क्या? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर रमेश। मैंने तुम्हें देखा है। मुझे कहाँ देखा है? लीला कृष्णा को देखा है। लीला कृष्णन को जानती हो? बताओ ना, जानती हो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। ओ शिवानी, 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 तुम इसी बिरादरी की हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ। वैसे शिवानी, तुम्हें इस कमरे में बंद करके क्यों रखा है? पागल हो क्या? ए, मैं पागल नहीं हूँ। बड़े लोग, पुलिस वाले, बड़ी हस्ती वाले जो भी लोग आते हैं, दिव्यानी माँ मुझे यहाँ बंद कर देती हैं। किस लिए? नहीं तो वो लोग मुझे देख लेंगे ना। अरे देख ले तो क्या होगा? अरे मैं एक सुंदर लड़की हूँ ना। एकदम सही बात है। बाहर के लोगों को मुझे नहीं दिखाएंगे। बाकी जो सुंदर लड़कियाँ नाच रही है, वैसे एक सुंदर लड़की नहीं जा सकती क्या? अरे वैसा करेंगे तो मुझे देवयानी माँ मार डालेंगी, ऐसा मैं नहीं कर सकती। कौन है देवयानी माँ? वो जो हाथी जैसी औरत है वो क्या? इतना ही नहीं, एक हिसाब से एक हाथी की पूरी शक्ति उनके अंदर है। एक बार मुझे पकड़ने के लिए रंगा नाम का गुंडा आया था, उसे एक ही लात में गिरा दिया था, और उसके बाद वो पेशाब करने गया तो पेशाब तक नहीं आया, उन्होंने बहुत मारा उसे। अरे बाप रे। अरे इधर इधर। अरे डरो मत, देवयानी माँ सिर्फ गुंडों को मारती है। अरे बाप रे। वैसे सुंदरी देवयानी माँ तुम्हारी क्या लगती है? अरे वो मेरी सगी माँ नहीं है, मेरी सगी माँ तो मेरे जन्म के पहले ही मर गई। बाद में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया देवयानी माँ ने। और तुम्हें पता है, दादी माँ, रानी माँ, देवयानी माँ ने बहुत तकलीफों से पाला है मुझे, इसलिए वो लोग मुझे प्यार करते हैं। सुंदरी, अभी तुम्हारा यहाँ क्या काम है? वो जो सुंदर लड़कियाँ करती है वैसा क्या? मेरा काम है डांस करना, गाना गाना, खाना खाना और खेलना, बस इतना ही, और कुछ नहीं। यहाँ क्या चल रहा है सुंदरी, तुम जानती हो क्या? अरे मेरा नाम सुंदरी नहीं, शिवानी है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए सभी लोग मुझे सुंदरी अप्सरा करके बुलाते हैं। अरे सुंदरी बात मत बदलो, वहाँ क्या चलता है पता है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जो बात सुनने की नहीं, वो से नहीं सुनते हैं, ऐसा रानी माँ कहती हैं। ए शिवानी बेटी आ रही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, चुप जाओ। अब ये कौन आ गई? शिवानी बेटी, वो इधर आएगी क्या? बात मत करो। बेचारी दुखी होकर सो गई होगी। हे भगवान। बुड्ढी चली गई क्या? चली गई। कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे भूख नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से पानी के सिवा मैंने कुछ नहीं खाया। नीचे चावल और सालन होगा। बिल्ली है क्या? म्याओ, 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 म्याओ। हमेशा तंग करती रहती है, इसे तो जहर खिलाकर मार देना चाहिए। अरे मैं फंस जाऊंगा यार। है ये क्या है? ओहो खाना भी ऐसे खुला छोड़ दिया है। ओहो लगता है ये लोग आ गए। चलो उतरो उतरो जल्दी। हाँ हाँ उतरो। वो गंगा की बात सुनी तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे उसे वहाँ रोकने की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो सब लोग पुलिस स्टेशन में ही रहते। इस देवयानी के दिमाग को मानना पड़ेगा। उस गंगा की जगह शिवानी होती तो पता चलता उस DSP को, जो तकलीफ दे रहा है वो समझ में आ रहा है। काफी है, अब जाकर सोने के बारे में सोचो। तुम लोग कौन हो अच्छी तरह समझता हूँ मैं, तुम लोगों को पता नहीं। देविका, उस कमरे की चाबी किधर है? किस लिए? शिवानी को लाना है ना। उसे मैं देख लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। अरे वो डरकर वहां पड़ी होगी देविका। अरे एक चींटी भी नहीं काट सकते शिवानी को, कभी ऐसी सुरक्षा में रखा है, उसकी वजह से बेचारी गंगा वो DSP के कमरे में झेल रही है, उसके बारे में सोचा है कभी? देविका तुम ही उसे वहाँ छोड़कर आई हो ना। तो फिर मैं क्या करती? शिवानी को छोड़ के आने को कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे ऊपर चिल्लाने से क्या, ये सब मैंने थोड़ी किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये। हाँ, मैं ही हूँ बनाने वाली और उन्हें खिलाने वाली। ओह
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक बेचारी मासूम लड़की, बेचारी कौन? हा? अरे तेरी माँ की वारिस, चुपचाप चली जा यहाँ से। तुम्हारी जो हंसी है ना वो देखने लायक है। दादी माँ बोलती है जब मेरी बेटी हंसती है तो चांद जैसी लगती है। सही बोलती है ना? मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं दादी को बताऊंगी। क्या आप यहाँ छुपे हुए हो? अरे बापरे, तुम चांद जैसी नहीं हो, ऐसा लग रहा है चांद जमीन पर आया है। अभी थोड़ा हंस लो। अरे हंसोगे तो दांत नहीं गिर जाएंगे, कितने मोती जैसे हैं। क्या खूबसूरत चांद जैसी हो तुम। अरे बापरे, उस राक्षस की नजर में नहीं आई मेरी सोनू। क्या हुआ, डर गई हो क्या? नहीं देवयानी माँ, मैं अंदर बात कर रही थी। है किससे? बच गया। चांद के साथ देवी माँ। अरे तुम्हारे जरिए मैंने चांद को देखा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो अरे क्या बात है, अभी तक नींद नहीं आई क्या? जाओ, मुझे नींद आ रही है। शिवा, क्या है रानी माँ? क्या बात है, खाट देखते ही तुम बिस्तर पर पड़ जाती हो, आज बड़ी हंस रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिवा, मेरे से झूठ मत बोलो, मैं पहले से ही तुम्हें देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं सोच रही। क्या शादी के बारे में? रानी माँ, आप मजाक उड़ाते हो। देखो शिवा, इस रानी माँ से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है? तुम तो रानी माँ की प्यारी बेटी हो ना? मुझे किसी को बताने के लिए मना किया है। किसने? देवी माँ ने? तो फिर किसने? आप किसी को बताओगे तो नहीं? इसका मतलब तुम रानी माँ पे भरोसा नहीं करती। छोड़ो, मत बताओ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं रानी माँ, मैं भरोसा करती हूँ। तो फिर बताओ। अरे ऊपर उस कमरे में डॉक्टर है। डॉक्टर? पुलिस से बचने के लिए वहाँ छुपने के लिए आया था। अरे वो आदमी ऊपर है क्या? बेचारा, वो बहुत हंसी मजाक करता है, उसके साथ समय कब बीता पता ही नहीं चला। उसकी कहानी सुनी तो बहुत अफसोस हुआ रानी माँ। आप किसी से बताना नहीं रानी माँ। जब दिव्यानी माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे दिव्यानी माँ, उन्हें मैं कभी नहीं बताऊंगी। 2 दिन में काम मिलने के बाद वो खुद यहाँ से चला जाएगा। उस आदमी की शादी हो गई है क्या? उस बारे में मैंने पूछा नहीं, बस 2 बहनें और 1 दादी माँ है, बस इतना बताया। क्या हुआ रानी माँ? भले ही शादी हुई हो पर वो एक नेक इंसान है, तकलीफ की बातों को भी हंसी मजाक से बताता है। उसने मुझे बहुत हंसाया। तुम उस आदमी को पसंद करती हो? क्या मैं किसी लड़के के पैर में अपने दिल को खो बैठूं? ये सब अरे पसंद आएगा तो तेरी शादी करा दूंगी। आप चुप रहो रानी माँ, कुछ भी बोलते हो, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। क्या कर रही हो शिवा? क्या बात है, अब तक सो रहे हो? 10 बज गए हैं। ठीक से सोए हुए 4 दिन हो गए। लेकिन मैं इतनी देर भी नहीं सोती, रानी माँ ने मुझे ऐसे सिखाया है। कब तक सोना है ये नहीं सिखाया क्या? अच्छी लड़कियों को सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए, ऐसा रानी माँ ने सिखाया है। यहाँ पर सब लोग 12:30-12 बजे तक उठते हैं, रानी माँ सुबह सुबह उठ जाती हैं। फिर क्या सिखाया उस रानी माँ ने? रानी माँ बुढ़ी औरत है, वो लोग सूरज को पसंद नहीं करते, उन लोगों की जिंदगी अंधेरे में है, वो लोग सिर्फ रात जानते हैं। ये बात किसने बताई? रानी माँ। चाय कैसी लगी? एकदम बढ़िया। मैंने बनाई है। तो फिर तो एकदम बढ़िया।
मैंने रसोई में जाकर चाय बनाई है। दिव्यानी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। इतनी बढ़िया चाय बनाओगी तो कौन गाली नहीं देगा? उसके लिए नहीं, गर्मी और धुएं में मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। इस तरह काम करने से मेरा शरीर बिगड़ जाएगा ना। तुम ये सोच रहे हो कि क्या करेगी। इस बात को लेकर देवयानी माँ और रानी माँ आपस में लड़ पड़ते हैं। वैसे बच्ची को मल्यालम कहाँ से मिला है? रानी माँ ने मुझे सिखाया। इस रानी माँ को मानना पड़ेगा। मैंने रानी माँ को बताया। क्या? यही के ऊपर एक डॉक्टर आया है। अरे मेरी माँ, मैंने बताया था ना, मत बताओ। अरे डरो मत, सुबह सुबह चाय देने के लिए रानी माँ ने ही कहा था। रानी माँ बहुत मासूम है। रानी माँ का असली नाम पद्मिनी है। अच्छा, बहुत बड़े घर में जन्म लिया था ऐसा सब कहते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या, इसलिए तुम बड़गम भाषा में बात करती हो। उनके पति और बच्चे भी हैं। बाद में वो लोग गांव छोड़कर चले गए और फिर अरे बाप रे, क्या हुआ? उन्होंने ये बात किसी को बताने के लिए नहीं कहा था। किसी को मत बताना, ठीक है? बताऊंगा। मैं इसे पीकर एक साइकिल लेकर हर गांव में हर आदमी से बोलूंगा। अरे मलयालम में बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। मैं हिंदी सीखकर हिंदी में बताऊंगा ना। तो मुझे चाइनीज आती है तो चाइनीज भाषा में खूब बात करता हूँ। शिवानी की माँ बहुत मासूम है, बेचारी रानी माँ का असली नाम पद्मिनी है। बहुत मुश्किल है, मत बताओ, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तुम बहुत अक्लमंद हो। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। अरे बुद्धू कहीं की, यहाँ कौन चाइनीज भाषा जानता है क्या? शिव, मैं ही पागल हूँ। लो, और मैंने कभी ऐसा दिल खोलकर किसी से बात नहीं की है, उस वजह से मुझे एक नालायक और हरामखोर मत समझना। वैसे यहाँ मतलब वो कहाँ है, अगर उधर जाना है तो बाथरूम कहाँ है? उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो वो रहा जंगल, वहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें। बाप रे, अच्छा मुझे अभी के लिए एक जगह चाहिए। उसके लिए इतनी जगह काफी है ना। अरे बाप रे। तीन चार दिन हो गए ठीक से बैठकर पेशाब भी नहीं किया। अरे ये कौन सा पानी है? अरे पीला पानी, अरे पीला पानी है। अरे मामा ये बारिश नहीं, पेशाब की बारिश है। पेशाब ऊपर से कैसे आ रहा है? अरे सॉरी, अनजाने में हो गया। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं पेशाब करने के लिए आया था। अरे ये क्या पेशाब करने की जगह है? तुम ऊपर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे बाप रे। रानी माँ, क्या हुआ बेटी? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? उस डॉक्टर को मनी मामा ने देख लिया, दिव्यानी माँ मुझे मार डालेगी। तब तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मासूम है रानी माँ। डॉक्टर लोग अच्छे से पढ़ाई करके बहुत सारे नॉलेज रखते हैं। तो फिर उसके लिए? मैं कुछ नहीं जानती, दिव्यानी माँ कुछ नहीं करेंगी बस। डॉक्टर रमेश। हाथ में 10 रुपए भी नहीं है डॉक्टर। मेरे पैसे चोरी हो गए। तो फिर अचार? अचार बेचने वाला डॉक्टर है। ऊपर के कमरे में डॉक्टर ने किसी को देखा। किसे? एक छोटी लड़की को देखा। बोलो डॉक्टर साहब, देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। झूठ नहीं, नहीं देखा देवी माँ। क्या बेटी, तू छोटी है, जरूरत के बिना सलाह नहीं देते, जा जा चल। डॉक्टर साहब, आप एक मासूम निर्दोष हैं, लेकिन अंदर तक आकर खाली हाथ बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा, गला काटूंगी हरामजादे। देविका छोड़ो उसे, ये क्या कर रही हो? उसे इतनी तकलीफ दे रही हो, इसकी गलती क्या है? पुलिस से बचकर वो थोड़ी देर के लिए छुप गया था, बस इतना ही ना। तू कौन होती है इसकी? तूने अपने रूप में छुपा रखा था क्या इसको? ऐसा ही है तो क्या? रानी, बेवजह तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो अभी। जरूरत है। ऐसा है क्या, तुम अपने कमरे में ठहराने के लिए सोच रही हो क्या? मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। तू पागल है क्या? हाँ पागल हूँ, आकर देखो, आओ आकर देखो।
देखो इसे लाकर छोड़ गए हैं पुलिस वाले। लाश बनाकर फेंक कर गए हैं साले कुत्ते कमीने सुअर के बच्चे। मुझे रास्ते से हट जाओ। देखो मेरी बच्ची के साथ क्या किया उसने। उन सालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। दीदी सालों को मैं छोड़ूंगी। शांत हो जाओ। उनको नहीं छोड़ूंगी मैं। एक एक को मार। शांत हो जाओ। देविका छोड़ो मुझे। शांत देविका। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ दीदी। देवी माँ देवी का चिल्लाकर क्या करेंगे। हम लोग रंडी हैं। अगर हमें कोई मार भी डाले तो पूछने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के पास अधिकार है। कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जीना पड़ेगा। अरे छोटी बच्ची है थोड़ी तकलीफ हुई होगी। उसमें चिल्लाने से क्या फायदा। अरे बुड्ढी चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। मनी इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ अभी। मैं नहीं देख सकती। मैं देखूं क्या उसे। क्या उस लड़की को। देविका गुंडे और लूटने वालों के साथ हम अपनी जिंदगी तो जी ही रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक जाते हैं। काम के सिलसिले में यहाँ डॉक्टर आया है। यहाँ रहकर वो डिस्पेंसरी खोल दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं यहाँ पे जो भी है सबके लिए अच्छा होगा। जरा सोचकर देखिए वो आदमी अच्छा है। उस आदमी की भी मंजूरी होनी चाहिए ना। हम जरा पूछकर देखें। अरे रुको रुको रुको। अरे इस बोर्ड के बीच में किसने फैला दिया। मैंने ही डाला था। बोर्ड सबको दिखाने के लिए होता है डॉक्टर। बेकार में मेरे मुंह से गाली मत निकलवाओ। चलो चलो गाड़ी तैयार है। नहीं मनी मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब नहीं होगा। डांस मिस करोगी तो देवयानी मानेंगी नहीं। जाओ जाओ। अरे इसे ऐसे ही रहने देते हूँ। पुलिस देखेंगे तो मुझे पकड़ेंगे। बोतल में जो दवा है वो खाने से पहले 3 बार ले लेना। खाना खाने से पहले इस बोतल को 3 बार खाना है। सर ये बोतल खाने से तो मैं मर जाऊंगा। बोतल खाने से मर जाएगा ऐसे पूछ रहा है। ये बोतल नहीं खाना है। इसमें अंदर जो दवाई है वो 3 बार लेना है। अच्छा अच्छा। कितना हुआ सर। कितना हुआ ये पूछ रहा है। 30 रुपए। हाँ शुक्रिया। आता हूँ सर। तुम्हारा नाम क्या है। विनोद। विनोद कितने साल के हो। 26 साल। 26 साल। जब खाना खाता हूँ तो पेट में दर्द होता है। फिर खाना खा के टॉयलेट जाना पड़ता है। पेट दर्द है खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है। तुम जाओ। क्या दादी आप भी हमारे लिए खास करके रखा है डॉक्टर। जब भी मैं आती हूँ कोई ना कोई रहता ही है। सॉरी भाई। दादी माँ आपको क्या बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है। ए तू भी जा रहे। अरे बेटा मुझे गाल का ऑपरेशन करके इसे निकालना है। उसके यहाँ रहने से क्या परेशानी है। मेरी सुंदरता का सवाल है। इस छोटे से तिल की वजह से मेरी सुंदरता बिगड़ रही है। सही कहा ना मैंने। इसलिए निकलना चाहती हूँ। अरे दादी माँ आप बहुत सुंदर हो। ऐसा है क्या। जब मैं हंसती तो बुरी नहीं बहुत अच्छी लगती हो।
एक बार और हंस लो दादी माँ, आप हंसती तो कितनी सुंदर लगती हो। ऐसा है क्या? अरे इस बुढ़ी को निकालो यहाँ से, जब भी कोई मिलने आता है बस ये हंसने लगती है। तू जा रहे? अरे ये क्या पहना है तुमने, ये कैसा पहना हुआ है? ये देवयानी का नया ऑर्डर है। अरे वो तो पागल है, इतनी सुंदर लड़की को कोई देखेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, लोग इसे ढूंढ रहे हैं पता है ना। चलो। अरे मनी भाई, आप इसे पोस्ट कर देंगे? क्या चाहिए साहब? जहाँ मलयाली औरत रहती है ये वही घर है क्या? हाँ हाँ, जाओ जाओ। शुक्रिया। अरे वाह, ये तो खर्राटे ले रहा है भाई साहब। ओ भाई साहब, भाई क्या बात है, इस तरह बिंदास सो रहे हो? अरे मलयाली है क्या? बैठिए बैठिए। नाम क्या है? नाम? नाम भी चाहिए क्या? क्यों, नाम नहीं है क्या? नाम रामकृष्णा लिख दो। वैसे यहाँ टोकन भी है क्या? टोकन नहीं चाहिए। उम्र क्या है? उम्र 20 साल। 20 साल? हाँ क्या, 20 साल? 20 साल से ज़्यादा रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दिखाने से पहले मुझे देखने दो। अगर माल अच्छा हुआ तो बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे बाप रे, चेक करने के बाद ही अंदर जाने दोगे क्या? चेक करने के लिए तो बाबू क्या एक खींच के दूंगा, चल। अच्छा, वो घर ये नहीं है क्या? नालायक कहीं का। सॉरी, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था, अंजना ने बोल दिया, चाहे तो मैं उसे वापस बोला लेता हूँ। अरे भाई साहब, उस बोर्ड में समय भी लिखना है, सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हाँ ठीक, तब तक आप इस दवाई के साथ यहाँ मत रहिए, भाई धंधा खराब होगा। जी। ऊपर के कमरे में जाके रहिए। मेरी इजाजत के बिना इधर नहीं आना। कोई बात नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं दूंगा। डॉक्टर, आप वाकई में डॉक्टर है ना? डांट निकाल कर आदमी को मारोगे क्या? अरे बाप रे, मैं नहीं मार सकता। मैंने तो सिर्फ घर से पढ़ाई की है। कुछ भी बोलो, लेकिन आपकी दवा को मानना पड़ेगा। बॉडी पर डॉक्टर के ड्रेस मत पहनो, चाहे तुम कितने भी बड़े चोर हो, मेरे घर के अंदर आकर तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इसी हिम्मत से तो जी रहा हूँ। देवी माँ, सॉरी मैं आपको कैसे बुलाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बड़े घर के लिए आप भाड़ा भी नहीं ले रहे, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा कमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाड़ा? अरे पहले 4 पैसा कमाने की सोचो, फिर भाड़े के बात करेंगे। मुझे उधारी में जीने की आदत नहीं है, मुझसे जो होगा मुझे काम दे दीजिए। यहाँ क्या काम है? मैं कभी कभार गा लेता हूँ। गाना सीखा है क्या? सीखा तो नहीं, लेकिन गा लेता हूँ। नहीं, ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक बार अंदर आ जाओगे तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे गजरा है क्या? गजरा? गजरा है, लेकिन दूंगी नहीं। बुढ़ी फूल इधर रखो। अरे फूल की बात छोड़ो, तुम मुझे बगीचे में रखो, बगीचे में, पागल कहीं की। लेटर पोस्ट किया क्या मनी भाई? मेरा लेटर पोस्ट किया? हाँ कर दिया होगा। इंसान बोलेंगे तो एहसान होना चाहिए ना। तुमने बोला कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, पढ़ाई की है उसने। हाँ तो इसमें क्या है? लेकिन मेरे बारे में कभी एक शब्द नहीं लिखा। कहाँ? एक लेटर दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। अरे उसे पोस्ट किया या फाड़ दिया? तूने पोस्ट किया ना? मैंने नहीं किया। हा? तुमने मेरे बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा। हे भगवान, अरे खत नहीं मिला तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे ना। तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? ये झूठ किसने कहा? अरे तुम बेकार में मुझे फंसाओगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस रोना चालू कर दूंगी, इतना ही काफी है। अरे क्या कर रही हो? गुस्सा मत करो, आगे जो भी खत लिखोगे उसमें मेरे बारे में लिखना। क्या? यहाँ एक बहुत सुंदर लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं लिखोगे तो मैं अभी रोना चालू कर दूंगी। रोना मत, मुझे पसंद है, तुम पसंद हो। कितना पसंद? इतना 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 इतना। भगवान, मेरे भाग्य में और क्या क्या लिखा हुआ है?
कौन है जो यहाँ से भागने की बात कर रहा है? अरे बाप रे, जानू तेरे बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तुमने चांद को देखा था तभी तुम मेरे दिल में बस गई हो। अरे बाप रे, कमबख्त कहीं मेरा सर फट गया होता तो। जब मैं जिंदगी की तलाश कर रहा था तब तुमने मुझे अप्सरा के रूप में आकर दिल को बहलाकर तुमने मुझे वक्त पर बचा लिया। तुम ऐसे ही मेरे दिल में बसते रहना, मैं तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। अरे मनी भाई, मनी भाई दरवाजा बंद मत करो। अरे दरवाजा बंद मत करो मनी भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। अरे कभी कभार अरे रेड पड़ जाएगी तो बेकार में मैं अंदर फंस जाऊंगा। मनी भाई सिर्फ मटका है, ये लड़की का नाम नहीं है। अरे कोई मजाक, अरे मैं मजाक कर रहा था यार। अरे मेरी सुंदरी, अभी मैं यहां से कैसे बच पाऊंगा? कौन है? अरे कौन है पूछ रहा हूँ ना मैं। अरे मनी भाई, डर गए क्या? अरे डरा नहीं हूँ मैं, किसी ने मेरी बातें सुन ली हो तो। अरे बापरे, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आई नहीं हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। कौन? मनी मामा, नीचे कोई तो आया है। ओ ऐसी बात है क्या, इसलिए मुझे बंद कर दिया। तो फिर आज हम तुम एक कमरे में बंद हो। ना 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 ना, तुम कमरे के अंदर हो और मैं कमरे के बाहर हूँ। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। डॉक्टर साहब। Yes. अरे डॉक्टर साहब। यस। अरे बाप रे, अब फंस गया हूँ मैं। अरे भाग ले। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मेरी इज्जत पे हमला हो रहा है। अरे बचाओ, रुको, अरे बचाओ, कोई है, कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे अरे मेरे बाल, अरे 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 रमेश मेरे बाल दे दो। मुझे गलत मत समझना, यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला इसलिए ऐसा मैंने भेष बनाया। अरे मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था, फिर मुझे देखकर भाग क्यों गए तुम? अरे मैं मर्द हूँ, अगर ये पता चला तो यहाँ के लोग मेरी पुंगी बजा देंगे। वैसे मैं दो बच्चे का बाप हूँ ना बेटा रमेश। आगे से मुझे देखकर भागोगे? मैं नहीं भागूंगा, मेरे बाल दे देना। ये लो। ये हुई ना बात, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी बोलने की वजह से मैं पांडवपुरों में आया। अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं तुमसे जरूर मिलता। सुनो, मैंने ऐसा बेस बनाया है, तुम गांव में किसी को मत बताना। तुम भी, मैं डॉक्टर हूँ, ये गांव में किसी को मत बताना। मैं भी नहीं बताऊंगा। कितने साल हो गए तुम इस तरह से बेस बदल कर रहे हो? अगर ये कुंभ मेला आएगा तो 5 साल हो जाएगा। तुम यहीं पे ठहरोगे ना? किस लिए? मैं बीच बीच में यहाँ आया करता हूँ। फिर जिस लिए आदमी लोग आया करते हैं उस लिए। वैसे उस घर में एक लड़की है ना, उस लिए। उषा,
वो मेरे जाल में फंस गई है ना। अरे नालायक क्या है, वो मेरे बहन जैसी है। इसका मतलब हमारे बीच में संबंध बढ़ जाएगा। जीजा साले लीलामणी, अरे ओ लीलामणी, अरे बाप रे शिखंडी आ गया है। रमेश पैसा निकालो। हर हर महादेव। पैसा दे रहे? मेरे पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं देता हूँ। अरे अरे महाराज, अरे पैसा मिल गया, आती हूँ। अरे पैसा मिल गया, आती हूँ। अरे बासुंदी, अरे चांदनी, अरे 20 रुपया मिल गया। बेचारे कहीं के। अरे गोपाल भाई। अरे क्या बात है डॉक्टर, इस तरह भाग के आ रहे हो? एक सोडा। उनके पीछे क्यों भाग रहे थे? अरे डॉक्टर साहब अच्छे हो क्या? हाँ बहुत अच्छा हूँ सावकर साहब। डॉक्टर। अरे वही बैठे रहो, आ रहा हूँ अभी। गोपाल भाई हाँ? अगर मुझे ढूंढते हुए अगर कोई भी आएगा तो ऐसा बोलना कि पांडवपुरम में कोई रमेश नहीं रहता। नाम भी चेंज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। गोपाल भाई 2 दिन के लिए बोर्ड भी पलट के रखो। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ डॉक्टर, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो हम 10 लोग हैं ना। ये मेरा पर्सनल मामला है और वो मुझे मारे बिना नहीं जाएगा। क्या नहीं, गाँव में एक गुंडा था, उसे मार कर ही मैंने गाँव छोड़ा था और अभी मैंने उसे यहाँ देखा और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अरे इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? अरे वो मुझे मारने आ रहा है और तुम खुश हो रहे हो? क्या डॉक्टर, आप भी यहाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सब की प्रॉब्लम है। चाहे कोई भी गुंडा क्यों ना हो वो अंदर नहीं आ सकता है। आपको लगता है मालूम नहीं है अपना मनी भाई कौन है पता है ना? कौन है? अरे पता है, पुणे में मनी भाई बोले तो लोग कांपते हैं। 6 लोगों को अकेले मारा था मनी भाई ने। फिर एक दिन करीम भाई ने साजिश करके मनी भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तब देवयानी माँ ने उन्हें पुलिस से छुड़वाया था। हाँ? हाँ। डॉक्टर आप जाकर अपना काम देखो। अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर जाऊंगा तो मार खाऊंगा, यहाँ रहूंगा तो यहाँ मार खाऊंगा, तुम ही जाकर देखो। अरे इसमें क्या बात है, चलो। अरे गोपाल, अरे तुम इधर ही रुक, मैं आता हूँ। अरे मणि, हमारा डॉक्टर एक छोटा दादा है ना। अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो अनजाने में हो गया था, बहुत साल से तकलीफ में जी रहा था और बीच में आकर टांग अड़ाने लगा। एक ही बार उसे मारने का सोच रहा था और ये सब हो गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ और अभी मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। ऐसा करो डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मरीज लोगों को दवा दे दो, बाकी हम सोच लेंगे। मनी भाई, जान से मत मारना। ये जो गोली है हाँ। आपको 3 बार खानी हाँ। है, खाना खाने के बाद, सुबह शाम को और रात को। कितना हुआ? 40 रुपया। नाम क्या है? सदानंद। सदानंद, सदानंद। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे यहाँ खास वजह से मिलने आया हूँ। किस लिए है कोई वजह? अरे नहीं, मैं तुमसे डर कर ही यहाँ तक दूर पहुँचा हूँ। तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या बात है? बताता हूँ, जिंदा रहना चाहते हो हाँ। अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारा राज खोल दूंगा। चलो मेरे साथ। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो? डॉक्टर के पहचान का ही हूँ ना। मनी भाई हाँ। मैं थोड़ा इनके साथ जाकर आता हूँ। तो फिर गाँव से आया था वो गुंडा? वो तो अरे उसे मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, संभल कर जाओ। अभी संभलने के लिए क्या बचा है? ए, रुको रुको रुको, कौन हो तुम? इलाज के लिए आई हूँ बेटा। जाओ 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 जाओ। जो मुझ पर 1 वार करता है मैं उस पर 2 वार करता हूँ। उस दिन तुमने मुझे घोपा है इसलिए मुझे भी 2 बार तुम्हें घोपना है। सदानंद,
जो हो गया वो हो गया, मेरे भाग्य से या तुम्हारे भाग्य से तुम बच गए। अब जो भी प्रायश्चित करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। कौन सा प्रायश्चित? तुम जो बोलोगे वो। जो बोलूंगा उसे नहीं किया तो? तो तुम मुझे मारो या फिर कत्ल कर दो। क्या तुम अपनी बहन राधा की शादी मुझसे करा सकते हो? हाँ, क्या कहा तुमने? अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवा सकते हो क्या? नहीं कराओगे ना? सदानंद एक गुंडा अपने गांव में बहुत बड़ा गुंडागिरी करता आया है। जब तुमने मारा तुमने सोचा कि मैं मर जाऊंगा। लोग मरते वक्त भी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब सदानंद अस्पताल में पड़ा था तब सब लोग छोड़कर मुझे चले गए थे। मैं मर गया हूँ ऐसा सब लोग खुशी मनाने वाले लोग भी हैं। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अब मुझसे नहीं होगा, इंसान बनकर जीना है, काम भी करना है। अब मुझे एक अच्छा सा इंसान बनकर जीना है ना? मौत के मुंह से कैसे मैं जिंदा बच गया हूँ? अगर सच कहूँ तो मुझे जीने के लिए एक लड़की चाहिए, क्या बोलते हो? ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, सगी बहन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। मुझे भरोसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुमने कह दिया शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी दादी माँ और दादा से पूछे बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं सोच कर बताऊंगा। उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। हॉस्पिटल से मैं सीधा तुम्हारे घर ही गया था। मुझे देखकर वो लोग रोकर चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मेरे हाथ में जो कट्टा था मैंने उसी वक्त उसे दूर रख दिया था। वैसे तुम्हारी दीदी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, कुछ भी हो लेकिन मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं गांव आकर सोच कर बताता हूँ तुम्हें। अच्छे और नेक काम के लिए इस तरह क्यों देर कर रहे हो? सब मिलकर आशीर्वाद दे दो, तुम अपना दिल बदल दो बस। ये सब सोचने के लिए यहाँ वो लोग हैं। यहाँ कहाँ? हाँ, इसी पांडवपुर में। तुम्हारा खत मिला तो दादी माँ मुझसे मिलने आई और फिर रोना धोना सब चालू। मैंने मिलाने के लिए बात की तो सब लोग यहाँ मिलकर चले आए। घर में कोई रहना चाहिए इसलिए पिताजी नहीं आए। अरे बोलो कहाँ है? अरे हम लोग कल आए तो वो लोग लॉज में रुके हुए हैं। दादी माँ ये लो, आपके पोते को मैं ले आया। अरे हम लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया था? तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था क्या? ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरी हालात को सोच समझ कर देखो। कहाँ हो कैसे हो, कम से कम इतना तो बताना चाहिए था ना। कितने दिन हम लोग बिना खाए रहे तुम्हें पता है क्या? दीदी मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पांडवपुरम जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक खत तो लिखना चाहिए था ना, दो हफ्ते के बाद आपका खत मिला। अरे जो बीत गया उस बात को दोहरा कर क्या फायदा, छोड़ो उसे। तुम यहाँ काम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर डॉग डॉक्टर। दादी माँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे कोई काम नहीं मिला तो डॉक्टर का काम अपने हाथ में ले लिया। अरे लाइसेंस नहीं है तो पुलिस पकड़ लेगी ना। अरे वो सब देवी माँ संभाल लेती है। कौन है देवी माँ? देव माँ नहीं, देवयानी माँ। मैंने उन्हीं के घर में डिस्पेंसरी शुरू की है। रहना भी वहीं है क्या? उनके घर के ऊपर ही रहता हूँ, कमरे के एक कोने में। तो फिर इस होटल में क्यों खर्चा कर रहे हम लोग, वहीं चले जाते हैं। इतनी जल्दी हम ऐसे नहीं जा सकते। क्या समस्या है? अरे ऐसे सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, ठीक कहा ना? ऐसा क्यों? देवयानी माँ से पूछे बिना बाहर के लोगों को नहीं ठहरा सकते। तो हम लोग बाहर के हो गए। अब कैसे समझाऊं? मैं जाकर उनसे पूछ के आता हूँ। तुम्हारी देव या देवता माँ से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें जरा जी भर के देख लेने दो। हम लोग यहाँ एक साथ सोएंगे। अरे फिर तो मेरे पेशेंट। तुम पेशेंट के साथ सोते हो क्या? जो बोल रही वो करो। शिवा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर दिव्यानी देख लेगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो नहीं आया। अरे उसे कोई काम पड़ गया होगा और दिव्यानी माँ यहाँ आकर फिर से झगड़ा करेंगी। ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर ये सब होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बताओ बेटी। अरे रे रे रो मत बेटी, अगर तुम ज्यादा आंसू गिरा दोगी तो तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। आ जाओ बेटी।
तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रानी कहाँ है, बुलाओ उसे। बाजू वाले कमरे में है। हमेशा वो इसके साथ घूमती रहती है, उसे पता होगा परेशानी क्या है। अरे जब बच्ची जवान होती है ना तो परेशानी होती है, कभी कभी गुस्सा, परेशानी, ये सब होता है। समझो इसे। उठो बेटी। मेरी बच्ची परेशान मत होना, ठीक है? डॉक्टर होता तो चेक कर लेता। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? अभी आता हूँ ऐसा बोल कर गया था। ऐसे बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, हमने उसे यहाँ जगह इसलिए दी है कि हमारी जरूरत पड़ने पर वो रहे। कहीं दूर नहीं गया होगा। कुछ गलत मत समझना, पहले मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बाद में अच्छा लगा इसलिए मुझे मंजूरी देनी पड़ी। सबको मौका मिलना चाहिए, वैसे पहले जैसा नहीं है, सबको बोलना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए ना। मुझे तो प्रैक्टिस करने का जो वक्त है ना, मतलब वो कर लेंगे। ये हुई ना बात, तुमने यही रहने की सोची है ना बेटा? वैसे अभी तक नहाया नहीं क्या? ये क्या बोल रहा है, तुमने सुना सदानंद? ये बोल रहा है ये अभी गांव नहीं जाएगा। सदानंद से डरकर ही तुमने गांव छोड़ा था ना, अब वो हमारा रिश्तेदार बनने वाला है, अब गांव आने में परेशानी क्या है? अभी मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, अब वहाँ पर मैं ये काम नहीं कर सकता ना। अरे अब तुम डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ तो अचार का धंधा कर रहे थे ना। अरे वो फूड इंस्पेक्टर आकर उस धंधे को रोक दिया ना। कौन सा फूड इंस्पेक्टर, मैं उसको ठीक कर दूंगा, हम कल ही गांव जा रहे हैं। यहाँ तो देवी माँ और बच्चों ने दिल जीत लिया है। तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर आओ, बढ़िया ही देवी माँ। कहाँ थे तुम अभी तक? मेरे गांव से मेरी दादी माँ और बहन आई हुए हैं। कहाँ? वो लोग होटल में रुके हैं। मुझसे बोल कर जाना चाहिए था ना, फिर उन्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? वो बाद में देख लेंगे, मुझे जरा गांव जाना है। क्यों? थोड़े काम बाकी है तो करके वापस आ जाऊंगा। तुम नहीं आओगे, मैं जानती थी। शिवा, ए शिवा, शिवा। ए, तुम फिर से पेशाब करने आ गए? अरे नहीं, रात को शिवानी की तबीयत खराब हो गई थी, देवयानी पूछ रही थी तुमको कहाँ गया, आगे से बिना बताए बाहर नहीं जाना, ठीक है? हाँ शिवा, शिवा रो मत, क्या बात है बताओ मुझे। पुया से जाने वाला है। कौन? हाँ रमेश ना। अरे मैं भूलूंगा नहीं, भूल सकता हूँ क्या? कभी नहीं भूल सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन आप कई लड़कियों से मिले होंगे, जल्दी से भूल भी जाओगे, लेकिन शिवानी ऐसी लड़कियों में से नहीं है। उसने बहुत तकलीफें उठाई हैं, उसकी ज़िंदगी में पहले मर्द आप ही हो, उसकी ज़िंदगी पिंजरे में बंद तोते जैसी पड़ी हुई है, अब वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। इन सब के पीछे की वजह मैं ही हूँ, मैंने उसे हिम्मत दिया था, मुझे तुम अच्छे इंसान लगे, इस बात को सुनकर मैंने ही उसे इजाज़त दी थी। अब इस स्थिति से हम उसे कैसे बचाएंगे यही सोच रही हूँ, आप उसे बचाकर ले जाओ, अभी वो रो रही है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप एक बात बताओ, उसे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, शादी के नाम पर मिलना, माला फूल पहनाना, सजाना, आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। एक ऑटो रिक्शा लेकर मैं तुम्हारे घर चला आऊँगा, लेकिन दादी माँ नहीं मानेंगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो तो मैं मना कर दूंगा। जीजा जी। क्या जीजा जी? क्या कहा? सदानंद जीजा जी। अरे साले, अगर मैं एक बात पूछूंगा तो सच बताओगे? क्या कहीं तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? क्या चक्कर? हाँ गाय को बांधने जैसा। हाँ उसी रस्सी के दायरे में वो घूमती रहती है। हाँ बक्सा लेने गया था तो खाली हाथ नहीं आएगा, क्या बात है। तुम ये सब बोलोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बात बता भाई, देवयानी माँ की बेटी है वो कौन है? कोई और है। बहन है? अरे दूसरी लड़की है। तो फिर एक ही मंडप में पूरा हो जाने दो ना। इतना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, तुम किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं बोलूँगा। अरे जो देवयानी माँ का सेटिंग है वो ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना था।
वो ठीक है क्या? वो तो ठीक है, वो लड़की एकदम सती सावित्री है। सती सावित्री? अरे वो तो मैं रोमांटिकली बता रहा था। रहने दो, अभी मुझे क्या करना होगा? शादी यहाँ करनी है और उसके बाद डॉक्टर बनकर तुम्हें यहाँ जिंदगी गुजारना है, उसके लिए दादी माँ को मंजूरी देना है। बस इतना ही नहीं, उसे मैं संभालूंगा भी, वो सब मैं देख लूंगा। सदानंद को देखकर अभी भी दादी डरती है। अरे वो कहाँ चली गई सावित्री? सती सावित्री। हाँ, उसी सती सावित्री को जाके कहूँ। मैं नहीं जा रहा हूं। अरे ये क्यों आ गई? कहाँ जा रहे हो? आपने मना किया था ना अंदर आने के लिए, इसलिए वो खुशी में पैर फिसल कर मैं आगे तक आ गया, नहीं तो मैं वहीं पर रुकने वाला था। दादी माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। किसका है? दादी माँ का है? अरे नहीं दीदी, आप सबको आना है। दादी माँ आपको भी आना है। कब? आने वाली कृष्णाष्टमी को। कृष्णाष्टमी? कब? कृष्णाष्टमी। सिर्फ इतना ही बोलना आता है। क्या बात है दादी माँ, आप बेकार में रो रही हो। जब मैं यहाँ रहूंगा तब आपको सदानंद जीजा जी। अरे ठीक से बोलो, सदानंद जीजा जी। सदानंद जीजा जी। मुझसे कुछ मत कहो, आजकल तुम देवयानी माँ को ज्यादा प्यार करते हो, हमसे तो तुम दूर चले गए हो। तुम पैसे कमाने का सोचो और एक बहुत बड़ी शादी हम लोग यहाँ कराएंगे, सही है ना दादी माँ? अभी तो तुम चुप ही रहो, तुम्हारे कहने पे इसे मंजूरी देती, इसके लिए मैंने अच्छी सी लड़की ढूंढ रखी है, अगले हफ्ते जाकर मिलेंगे। स्टार्ट हो गई है, आइए। हाँ गाड़ी शुरू होने पर ही जाती है। अपना ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना अपना। डॉक्टर, डॉक्टर। क्या बात है गोपाल भाई? जरा जल्दी नीचे चलो। क्या हुआ? कमला ने अपने हाथ की नस काट ली है। अरे नस काटने में इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत गंभीर है। क्या? इलाज का सामान तो ले लो। छोड़ो मुझे, मरना है मुझे, मरना है। डॉक्टर कहाँ है? गोपाल तो गया था बुलाने, अभी तक। छोड़ो मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। ये ऐसे मरना चाहती हूँ मैं। छोड़ो कमला ही नहीं, हम सब लोग एक साथ नस काटने वाले हैं। इतना खुन्नस आता है तुम्हारे ऊपर, तुम लोग हमें बेचकर पैसा कमाते हो। क्या बोली? मैं पैसा बना रही हूँ? देखो जिसको ऐसा लगता है वो बाहर जा सकता है। क्या हुआ? देखो डॉक्टर ऐसे। आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। देवयानी माँ मर गई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच गई है, वक्त पर आ गया इसलिए बच गई। मनी भाई उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप कुछ मुझे बोलने वाली थी? मैं अभी शत्रु हूँ ना, जो भी मांगती हूँ, जो भी जरूरत है वो पूरा करती हूँ, लेकिन इनकी बातें देखो, ये सब मैं अपने लिए करती हूँ। क्या 1000 रुपए खर्च करने के औकात नहीं? 25 साल की लड़की है उसकी, कुछ भी काम नहीं करती है, बीच बीच में आकर लेकर जाती है रंडी कहीं की, कोई औकात नहीं है, लेकिन अभी 25,000 चाहिए। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसके लिए ऐसा करेगी क्या? इस तरह कोई काम करता है क्या? हाँ तुम बताओ। जो भी बोलो, सब लोग आपके लिए काम करते हैं ना, जब वो लोग हिसाब मांगेंगे तो हमें तो देना ही पड़ेगा ना। अब तुम भी मुझे सिखा रहे हो। अरे कौन सा हिसाब, तो जरा मुझे भी बताओ। अगले महीने वो लड़की पैसा मांग रही है, उसको देने के बजाय मैं इसको कैसे पैसा दे दूं? और उसके जैसे ये भी हाथ काट लेगी तो बताओ क्या करूं मैं? देवयानी का रिश्ता भाई बंधु सब लोगों से है, इन लोगों की भलाई के लिए, इनकी खुशी के लिए मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, अपने लिए 10 पैसा भी नहीं बचाया, फिर भी ये लोग मुझे ताने सुना रहे हैं। देवयानी माँ, वो लोग फिर भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं, उन्हें भी मान मर्यादा की जिंदगी का हक है। मान मर्यादा, अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगा बताओ? सब लोगों की नजर में हम रंडिया हैं, है ना? हम लोगों को स्त्री का अधिकार कौन देगा? हम लोगों के अंदर क्या चल रहा है
ये कौन झांक कर देखेगा? नहीं नहीं, एक समय में मैं भी अपनी शिवानी जैसा बहुत साफ सुथरी लड़की बनकर जी रही थी, ये देवयानी। लेकिन मुझे रंडी किसने बनाया? कौन है मुझे लाने वाला? पता है तुम्हें? रानी को खुद के पति ने इस धंधे में धकेल दिया। शादी के दिन लल्ला को बेचकर मुंबई वीटी स्टेशन पर अनाथ बनाकर छोड़कर भाग गया। ऐसा हर किसी के पास झांक कर देखो, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। चैन की जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो लोग समझेंगे? जब आखिरी वक्त आएगा तो सब लोग दम तोड़कर सड़क पर खड़े रहेंगे, तब मैं क्या करूंगी बताओ मुझे? ऐसा काम नहीं करूंगी, एक बार मैंने भी फैसला लिया था। खून बहाने से हमें कोई नहीं छुएगा, इसलिए मरना सही है। इस बारे में मत सोचिए, हम कोई हल निकाल लेंगे। रहने दो, हल निकालेंगे। जाओ जाओ, निकल जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए। क्या बात है भार्गवी दीदी, तुमने कार कब खरीद ली? अगर मैं कार खरीद लूंगी तो किसी से बोलना पड़ेगा क्या? देवयानी किधर है? ये बात है, मैं जाकर बता देता हूँ। उसके लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। हाँ, और बाहर निकालो। अरे वाह, यहाँ तो हॉस्पिटल बन गया है। डॉक्टर भी रख लिया है। ओह, देवयानी आजकल अच्छा काम करने लगी है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? रमेश मलियाली है। फिर संभल कर रहे, बताओ इसे। गोपाल भाई, कौन है ये? भार्गवी दीदी। कहाँ से? हाँ, पहले मेंबर हाउस में धंधा करती थी, देविका माँ की गुरु है। एक जमाने में उस्ताद बनकर रहा करती थी, अब नहीं है, अभी वो राजनीति में है। अभी तो मंत्री भी बनेगी। बोल नहीं सकते, बड़े बड़े मंत्री लोगों के साथ इसकी पहचान है, तो शायद बन भी सकती है। अरे ये छोड़ना भी चाहिए, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। देवयानी, हाँ? अपनी भार्गवी आई है। हमारी भार्गवी? हाँ, भार्गवी आई है। शिवानी, शिवानी। देवयानी की कोठी पर इतनी सुंदर लड़की दिखेगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ? है? अरे किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी के ऊपर। भार्गवी दीदी, आज तो नहीं जाओगी ना? अरे मैं अभी जाऊंगी। तुम जाओ, हम लोगों को बात करने दो, जाओ। भार्गवी दीदी। अरे दिव्यानी, तुम कैसी लड़की थी, अभी इतनी मोटी हो गई हो। उम्र बढ़ रही है ना दीदी। दीदी कहाँ से आ रही हो अभी? अरे मैं यहाँ घूमती रहती हूँ राजा मणि, कब से इससे मिलने के लिए सोच रही थी, 2-3 साल से। ओह इतना बिजी, बहुत बिजी रहती है। कितनी पतली हो गई हो दीदी, बेकार में क्यों राजनीति में उतर रही हो? अरे एमपी एमएलए है ना हमारे बीच में, किसी को भी रहने दो। पिछले इलेक्शन में पंजाब में एक सीट मिली, मैंने बोला मुंबई का दोगे तभी रखूंगी, उसके बाद दूसरा एक नजर आया। अरे राजनीति में पार्टी के लोग हमारे जैसे नहीं है, जीत ही पहला एजेंडा है। जब मैं ट्रस्टी के साथ रिलेशन में थी तो बात को जमा लिया, समझ गई। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है, कुछ पैसे वैसे कमाए कि नहीं? अरे पैसा, ये हुई ना बात, आप क्या सोच रही हो दीदी? थोड़ा पैसा जमा हो जाए फिर शांति से चैन की जिंदगी जिएगी, यही ख्वाहिश है इनकी। अरे रुक दो, यही ठीक रहेगा। आजकल के लोगों को हम नहीं चाहिए, आजकल के लोग कुंवारी लड़कियों को पसंद करते हैं। दिल्ली में कितनी लड़कियां हैं जो कामयाब नहीं हुई, फिर जो दिल्ली में कामयाब हो जाती हैं वो लड़की उसके लिए लाखों रुपए दे देते हैं। अरे राजमणि, एक चाय नहीं पिलाओगे क्या? मैं भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। तुमने जो लड़की गोद ली थी उसकी उम्र 16 हो गई ना? 15 साल पूरे हुए हैं, जवानी की उम्र है। 45 लाख तक मिल जाएंगे, दुबई से और लोग आएंगे तो 10-15 लाख ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसा ही सोचकर मैंने उसका लालन पालन किया था, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे पगली, हाथ में आने वाली लक्ष्मी को लात मत मार, तू मेरी बेटी जैसी है,
उम्र चली जाएगी तो सड़क के बीच खड़े होकर भीख मांगना पड़ेगा। वो जरा सोच कर देखना तुम, फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? 10 साल गुजरने के बाद ये जवानी निकल जाएगी तो बाद में पति भी नहीं पूछेगा, फिर कोई भी नहीं पूछेगा। तुम एक काम करो, वहाँ एक ट्रस्टी का प्रोग्राम होने वाला है, तुम शिवानी को लेकर वहाँ आ जाओ, बाकी के मामले मैं संभाल लेती हूँ, क्या बोलती हो? भार्गवी चली गई क्या? हाँ, चली गई। शिवा, क्या हुआ देवी माँ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। आओ। ओह, जब भी मैं खेलती हूँ बीच में आके टांग अड़ा देते हैं। खेलने की उम्र देखो। बेटी मुझे तुम्हारा डांस देखना है। अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन गाना कौन गाएगा? अभी नई ड्रेस पहनकर अपनी बेटी को लोगों के सामने अपनी बेटी को नाचते हुए देखना तब है। सब लोग मुझे देख लेंगे ना, मेरे सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता, ऐसा आपने कहा था। अभी तुम्हें सब लोगों को दिखाना है। हाँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे किसलिए तुम यहाँ भागकर आ गई? डरो मत, किसी ने नहीं देखा, एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ आई। कोई देख लेगा तो मेरा काम चला जाएगा, बोलो जल्दी, बोलो। हाँ। जल्दी करो। रहने दो, नहीं बोलूंगी, तुम सुनना ही नहीं चाहते। अरे यार बोलो। मुझसे प्यार नहीं करते मैं जानती हूँ। अरे मेरी प्यारी माँ, तेरी बात सुनने मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन जल्दी बोलो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अरे क्या है, सच कहो। अरे तुम सुंदर तो हो ही, जब देवयानी माँ ये मानने के लिए तुली हुई है तो मैं कैसे भावनाओं को अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा? अगर ऐसा करोगे तो मुझे लेकर कैसे जाओगे? वो किसी को बताए बिना मैं उठाकर लेकर जाऊंगा, मैं बहुत होशियार हूँ। कब लेकर जाओगे? कभी भी लेकर चला जाऊंगा। फिर तो अगले जुम्मे को। क्या बात है, मेले का दिन है क्या? अच्छा उस दिन तो कन्या वसंतम है। कन्या वसंतम, वो क्या होता है? वो एक चीज नहीं है, वो एक रसम है। हैदराबाद एक जगह है, वहाँ मंगला देवी का एक मंदिर है, उस क्षेत्र में कन्या का एक उत्सव भी चलेगा और उस दिन वहाँ नाच गाना ये सब होता है। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छा डांस होता है, देवयानी माँ मुझे वहाँ ले जाकर नचाने वाली है। प्रतियोगिता में जीत कर MLA बनने वाली हो क्या? उसे जीतने के लिए पैसा मिलेगा, हमें शादी करने के लिए पैसे की जरूरत है ना। क्या भरोसा नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, इतनी सुंदर लड़की के साथ कुछ नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? डांस करने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं नहीं जाऊंगी। जाओ मेरी सुंदरी, तुम सबको हरा दोगी नाच गाने में, सोना चांदी पैसा सब कुछ मिले तुम्हें, और आते हुए राजकुमार के लिए एक अच्छा सा घोड़ा भी लेकर आना। गधे के ऊपर नहीं बैठ सकते क्या? है? अरे दोनों एक ही जैसे होते हैं, क्या फर्क होता है दोनों में तुम बताओ? ये दो गधे है ना? हाँ दोनों एक ही हैं। मुझे मारो। अरे दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द हो रहा है। मुझे सब नीचे ढूंढ रहे होंगे। अरे बापरे, तू जाओ, तुम जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। एक दिन मेरी नौकरी खाओगी। जाओ 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 जाओ। अरे बाप रे, हे भगवान, सांबार का ऑमलेट बन गया, अब क्या करूं? रानी माँ, मैंने उसे बता दिया। तो फिर उस डॉक्टर ने क्या बोला? वो बहुत खुश हुए, उसने बोला कि वहाँ पर सोना चांदी सब मिलेगा और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाएगा। क्या? मुझे उठाकर लेकर जाएगा। क्या बात है, उस आदमी ने पहले भी किसी को उठाकर लेकर गया है क्या? हो सकता है रानी माँ, जब वो मुझे लेकर जाएगा आप मेरे साथ आएंगे ना? कहाँ? अरे उससे तो मैंने पूछा ही नहीं, कहाँ लेकर जाएगा? अरे तुम्हारी जैसी बुद्धू, उसका गांव में खेतीबाड़ी, घर परिवार सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती। क्यों? वो
तुम्हारे लिए खतरा है। मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊंगी रानी माँ, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया, तुम एक आदमी की बीवी बनने जा रही हो। जब एक घर बनेगा तब इस तरह का बचपना नहीं चलेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। एक पति के दिल के मुताबिक जीना आसान काम नहीं है। तो उसे मुझे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी रानी माँ काफी है। ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती, वहाँ रानी माँ के रहने की औकात नहीं है। तुम बस खुशी से घर बसाने की कोशिश करो। देवयानी आज आने का मन नहीं है क्या? सब लोग तैयार हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? देवयानी सुबह सुबह पी लिया है क्या? 4 पैग, फिर भी चढ़ नहीं रहा है, एक और पैग बनाओ। बस बस और मत पियो, अभी काम शुरू करना है। पैग बनाने को बोला है मनी, सबको यहाँ से भेजना है, सबको पैसे भी देने हैं। सब लोगों को खुशी से जीने दो, सबको अपनी अपनी खुशी से जीने दो। तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है क्या? पैसा पैसा मैं कमाऊंगी। कैसे? शिवानी तुम्हारी क्या लगती है? बेटी। और किसकी? देवयानी की, मेरी, रानी की, हम सबकी बेटी है। अरे झूठ, वो हमारी बेटी नहीं है। कोई उसे जन्म देकर छोड़ गया था, वो हमारी बेटी नहीं है। मैं उसे बेटी नहीं मानती। देवयानी ऐसा क्यों बोल रही हो? यही सच है, हम उसे लड़की समझकर पाल पोस रहे थे, उसको बेचकर थोड़ा पैसा कमाने के लिए ना, है ना? अब हम उसको बेच देंगे। हाँ बेच देंगे। हाँ बेच देंगे, किसी ना किसी मारवाड़ी को बेच देंगे। उसे अच्छा सा दाम मिलेगा, वो जवान कुमारी लड़की है, 10 से 15 लाख मिलेगा। एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा, रानी को, कमली को, उषा को, पार्वती को, और सबको, सब लोगों को बांट लेंगे, अच्छे से जिएंगे। लेकिन इस बात को शिवानी को मालूम मत करना, मेरी बेटी को पता नहीं चलने देना कि हम उसे बेचने जा रहे हैं। आना चाहिए क्या? फिर क्या मनी मामा, मुझे डांस और गाना सीखने के लिए आप ही लेकर जाते थे, और उन्हें मेरा डांस भी देखना है ना। हाँ। मनी मामा देखना, मैं सबको हरा दूंगी। जब पैसा और सोना मिलेगा तो मैं आपको सोने का हार गिफ्ट दूंगी। अरे रानी। हाँ उस मोटी को कहो मुझे भी लेके चले। अरे दादी इस उम्र में आपको इतनी दूर सफर करने की क्या जरूरत है? उम्र तो तेरी भी हो गई है। ओह मेरी उतनी उम्र भी नहीं है। हो 16 साल की उम्र पार नहीं किया आपने। अरे तुम भी आ रही हो क्या? हाँ मैं भी आ रही हूँ। तो फिर यहाँ का कामकाज कौन देखेगा? मेरी बेटी की प्रतियोगिता मुझे देखनी। ये नहीं हो सकता, तुम यहीं रुकोगी, यहाँ का कामकाज देखोगी। मैं, मनी और शिवा जा रहे हैं, तुम यहीं रुको। अरे मनी, शिवानी कहाँ है? ए, अरे गुस्सा मत हो, मैं ऐसे कूद कर अंदर आ सकता हूँ, तो देवयानी माँ को पूछकर उनको मनाना भी चाहिए ना। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी।
ओ मेरी सुंदरी अप्सरा, तुम्हें सबको हरा कर और तोहफे जीत कर यहाँ आना चाहिए। मुझे डांस नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बापरे, ऐसा मत बोलो। तुम्हें जीतना है मेरी अप्सरा का डांस देखकर, लोगों के होश उड़ने चाहिए। किसी को डांस देखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बापरे, किसने कहा मैं नहीं रहूंगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे चेहरों को देखता रहूंगा। अप्सरा तुम सबको हरा दोगी। कभी कभार जब मरीज लोग आते हैं तब मैं सोचूंगा मैं सुंदरी के लिए कितना सुंदर हूँ, इसलिए बाहर जो भी तुम पर नजर डालेगा मेरी नजर सब पर आएगी। कैसे? ये सोच लेना कि गाना गाने वाला भी मैं हूँ और ढोल बजाने वाला भी मैं ही हूँ। वहाँ जो हवा बहेगी समझ लो वो भी मैं ही हूँ। मेरी अप्सरा जब डांस करेगी उसे मैं देखूंगा। कैसे? मैं अपने आंखें बंद करके देखूंगा। आह मेरी अप्सरा कितना अच्छा डांस कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरी बेटी क्या हो गया? भार्गवी दीदी, अरे क्या हो गया? शिवानी क्या हो गया? इसे क्या हो गया? अरे हटो हटो, हवा ने लो, हटो। शिवानी डरो मत, उठाओ उठाओ, दूर हटो। ए बेटी डरो मत, उठाओ उठाओ, शिवा उठाओ, आराम से आराम से। शिवा शिवा लेके चलो। शिवा क्या बात है राजामणि, तुम यहाँ खड़े हो? अरे बाहर आने का मन किया। शिवानी को होश आया क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? जिस बकरी की बलि देने के लिए लाए हो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। देवी माँ, हम कब जाएंगे? बेटी बड़े आदमी लोग यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए देवी माँ? वो क्या है कि तुम्हें और भी सम्मान देना चाहते हैं, तोहफा देंगे। तुम अच्छे से ड्रेस पहनकर तैयार होकर आ जाओ बेटी। हम जाएंगे देवी माँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिव्यानी बाहर भार्गवी दीदी आई है। उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? कुछ बात करने के लिए बोल रही थी, मिल लीजिए जाके। मनी मामा हम जाएंगे ना, मुझे रानी माँ से मिलना है। मनी मामा आप कुछ तो बोलिए। मनी मामा कुछ नहीं बोल सकता बेटी। क्या बात है, मनी का चेहरा उतरा हुआ है? मनी से उसका चेहरा नहीं देखा जा रहा, सिर्फ मनी का ही नहीं मुझे भी। हम वापस चले जाते हैं भार्गवी दीदी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेकार में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें लाइफ में कितना बड़ा भाग्य मिला है। चेट्टियार कौन है तुम्हें पता है? पूरी इंडिया को खरीदने जितना पैसा है उसके पास, चाहे जितना मांग लो चेट्टियार दे देगा तुम्हें। मस्त मस्त वाह वाह, क्या खूबसूरत लड़की है यार। उसका डांस देखकर तो वो एकदम रंबा और उर्वशी लग रही थी। रंबा की टांग, नगमा की गाल और ज्योति का गाल, क्या बात है। इतनी तारीफ करोगे, इतनी तारीफ करोगे। आंखें थोड़ी है, देवलोक तालाब की मछली है, उसके होंठ शिमला के सेब की तरह, उसका चेहरा कचरे की फूल है, उम्र भी तो 16 है। क्या बनाया है उसे फुर्सत में। रुको रुको, मैं जरा लिख लेता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अरे त्यागराज, वो भार्गवी उसे कब लेकर आएगी यार? सुबह सुबह उसने लड़की लाने की बात की थी। सुबह से दोपहर भी हो गया है, उसका अभी भी सुबह नहीं हुआ। लगता है आ गई मालिक। आ गई, यह मारो। हाँ हाँ, इधर भी, हाँ इस तरफ भी। हाँ हाँ, अरे इधर, हाँ मुँह में हाँ डाल। हाँ क्या है? लाओ लाओ मुझे दो, मैं मारता हूँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कहाँ है मेरे दिल को छूने वाली परी, कहाँ है मेरे मैसूर की रानी? उसे लेकर नहीं आई हूँ मालिक। क्या नहीं लेकर आई? तेरा चेहरा देखने के लिए मैं थोड़ी इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों मजाक उड़ा रही है? मार डालूंगा, उस लड़की के साथ आओ। आ गई अकेली। माफ कर दो मालिक, उसे लेकर आने वाले थे लेकिन उसको बुखार आ गया। क्या बुखार है? पहले बताना चाहिए था ना। अरे रे रे, मेरी सोने की गुड़िया अब तक पिघल गई होगी। अरे त्यागराज, हैदराबाद के डॉक्टर राव को फोन करके तुरंत एम्बुलेंस लेकर आने के लिए कहो। रहने दो मालिक, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हम जाकर वापस आते हैं। ऐसा है, तो उसका नाम क्या है? शिवानी।
उसका नहीं तुम्हारा। देवयानी। देवयानी चेटियार बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तुमने आने की बात भी की, जाने की बात भी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़की मेरी है, चाहे बीच में यमराज भी क्यों ना आ जाए। बोलो कितना पैसा चाहिए। हाँ। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। तुम सोच लो या पूछ लो, लेकिन चेटियार ने अगर एक बार नजर डाल दी तो डाल दी। वो बहुत मासूम लड़की है, उसके चेहरे को देखकर मैं उसे बेचने वाली हूँ, मैं उसे कैसे कह दूँ। तुम ऐसा मत बोलो, उसका दिल को चोट पहुँचेगी। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा वादा करता हूँ। बोलो मंजूर है ना? हाँ? शादी? हाँ, मैं उसे पत्नी बनाने वाला हूँ। उस छोटी बच्ची के लिए पांडवपुर में एक छोटा सा बंगला बनाकर उसे वहाँ मेरी पत्नी बनाकर रखने वाला हूँ। शाबाश। शादी करने से आपको क्या फायदा है? कितना चाहिए? बेचारी ने बहुत कष्ट उठाए हैं, राव साहब ने 15 लाख बोली लगाई थी उसकी। अरे तुम उसे छोड़ो, मुंबई एरिया में रेड लाइट में जाकर बेच देगा। मैं अपनी छोटी सी बच्ची के लिए 20 लाख रुपए देता हूँ। अब खुश हो ना? मनी मामा। मनी मामा आप ऐसे दुखी होकर क्यों खड़े हैं? नहीं कुछ नहीं। अब हम किससे मिलने जा रहे हैं? पता नहीं। देवी माँ ने आपसे कुछ बोला नहीं है क्या? नहीं। मनी मामा आपको क्या हुआ है बताइए, मुझे बताइए। मनी मामा आपसे आपकी शिवानी बेटी पूछ रही है। मनी मामा कहाँ जाएंगे ऐसा सोच रहा हूँ बस। कहाँ जाने वाले हैं? हम तो पांडवपुरम जाने वाले थे। बेटी अब तुम पांडवपुरम वापस नहीं आने वाली हो। फिर कहाँ जाने वाली हूँ? किसी और गांव में। कौन से गांव? कौन से गांव बताओ ना। जो लोग तुम्हें खरीद के ले जा रहे हैं उनके गांव में। खरीद कर? खरीदने वाली मैं कोई चीज हूँ क्या? क्या हुआ मनी मामा? बेटी तुम क्या बच के जाने की सोच रही हो? ये बात उसे दिन बतानी चाहिए थी ना, मैं अपनी बेटी को अकेली नहीं छोड़ती। मुझे लगा तुम भी इस बात को जानती हो। ये भार्गवी कौन है तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, इसलिए उसने उसको लालच दिलाया। अभी सोचकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? पार्वती दीदी ने जो बात बोला उसे सुना क्या? वहाँ पुराने जमाने में जवान लड़कियों को लोग खरीदते थे और बेचते थे। खरीदना? हाँ, राजाओं के जमाने में राजा कुंवारी लड़कियों को खरीदते थे, नाच गाना सब होता था, उनके पास अच्छा पैसा होता है, वो लोग अच्छी अच्छी लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और रुद्रपुर में लड़कियों को लेकर रासलीला रचाते थे। उस जगह पे लड़कियों की बहुत मांग है, उसी गांव में मेरी अप्सरा लड़की को भेजा है। हाँ रानी माँ आप चिंता मत करो, वो सब पुराने जमाने में होता था, आजकल ऐसा कोई नहीं करता। आजकल राजा थोड़ी चलता है। राजाओं की बात छोड़ो, आजकल के पैसे वाले लोग लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं, आजकल ये बहुत हो रहा है। जो दादी माँ बोल रही है उस पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है, और वो भी इस जमाने में। रानी माँ आप बेफिक्र रहिए, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। देवयानी माँ और मनी मामा उसके साथ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, खास करके उस भार्गवी के ऊपर। उस दिन जब वो आई थी तो उसका रवैया देखा क्या, जैसे कि चील की नजर। अगर इसे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी को उनके साथ नहीं भेजती। अब ये सब बातें करके क्या फायदा, शाम से पहले नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रानी बच्ची आ गई। मेरी सोनी बेटी, क्यों रो रही हो? रो मत, कुछ हुआ तो नहीं मेरी बेटी को? कुछ नहीं, कुछ होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। देवयानी के बोलने से पहले हमें ऐसा करना पड़ा। देवी माँ मुझे बेच रही है, मेरी ऐसी क्या गलती है रानी माँ, क्या गलती है मेरी, बताइए ना रानी माँ। मेरी बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगी। अगर तुम इस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ। मैंने बताया ना, अगर मुझे इस बात का पता होता तो किसी को बिना बताए इस काम को पहले ही कर दिया होता। शादी
देवयानी माँ, अगर उनको पता चला तो बहुत परेशान हो जाएंगे। देवयानी को समझाकर मैंने मना लिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब मामला इसके हाथ से निकल गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकर जाओ। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना? जो भी बोला वो झूठ था ना? मैंने जो भी बोला सच बोला है। इस लड़की को मैं किसी भी तरह कुर्बान नहीं करूंगा, ये मेरी है, सिर्फ मेरी है। ये मेरी बीवी बनने वाली है, इसे मैं लेकर जा रहा हूं। अगर रमेश मेरी बेटी से शादी करेगा तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी खुशी से जीने दूंगी। मैं जाऊं क्या देवी माँ? तुम मुझे ही काटने के लिए आ गया है कुत्ते की औलाद। उसे ऐसे जीने की जरूरत नहीं, अगर जीना है तो मेरी आंखों के सामने मेरी मर्जी के हिसाब से जीने दो। छोड़ो मेरी बेटी को, उसकी जिंदगी उसकी मर्जी से जीने दो। उसे जीने की जरूरत नहीं है, अगर जीना है तो मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, ये मेरी बेटी है, छोड़ दो उसे। मेरी बेटी को छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मेरी बेटी को। मेरी इजाजत के बिना ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अरे तुमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला था ना, उसे भी हमारे जैसा बनाना चाहती हूँ। ये करोड़पति की बीवी बनने वाली है। मेरी बेटी को किसी की रखेल बनाकर ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये इसे ले जाकर शादी करेगा, इसकी क्या गारंटी है? शादी करने के बाद उसने अरमान पूरा करने के बाद छोड़ दिया तो? रंडियों के बीच में बड़ी हुई वो लड़की है, उसकी क्या कीमत है? कल को तुम उसको भी सड़क पर देखना चाहती हो क्या? या फिर वो बम्बई का नंबर है उसमें देखना चाहती हो क्या? बताओ। हम सब इसी तरह इसी साजिश में घिरे हुए थे, पता है ना? वो भले ही अरमान पूरा करने के बाद बेच देगा, लेकिन जीने के लिए पैसा रहेगा उसके पास। कौन नहीं चाहता उसके पास पैसा रहे? तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? इसी पैसे के लिए तो तुमने नस काटी थी ना? किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है, जिएंगे हम, खुशी से जिएंगे, बहुत खुशी से जिएंगे। राजा मनी, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तुम मेरे पेट पर वार करोगे मैंने सोचा नहीं था। अभी तक मैं कितने दिन कुत्ते की तरह जी रहा था, खाना मिलेगा इतना ही काफी है ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। सोचना कि मैं एक बाप। जिसको भी जाना है जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी को मैं इसलिए बेच रही हूँ ताकि तुम लोगों के खातिर। मैं अभी अकेली नहीं हूँ, होने दो, चले जाओ, चले जाओ। देवी माँ, अब बेचो कि अब किसी को भी बेचो, अब बेचो किसी को भी, लेकिन उस बेचारे के साथ कुछ मत करना देवी माँ। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो देवी माँ। अरे छोड़ो यार, जाओ बेचारे को क्यों मार। जाओ जाओ सब लोग जाओ। खून निकल गया, कौन हो तुम? मुझे खन्ना के नाम से जानते हैं लोग। मैं छोटे गोल्ड इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूँ, थोड़ा फाइनेंस भी कर लेता हूँ तकलीफ वाले लोगों को, बाद में उनके घर अपने नाम भी कर लेता हूँ। जो शिवानी है ना, वो मेरी बीवी बनने वाली है, और तुम्हारी और शिवानी के बीच में कुछ लाभ है क्या? वो मेरी है, तुम कितने भी बड़े चट्टियार हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, बेंगलोर में मेरा एक आदमी था, उसकी भी तेरी जैसी लवर थी। बेचारा बड़ा परेशान था, लेकिन मैंने एक दिन उसे मार दिया। और शिवानी है ना शिवानी, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जान से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा क्या? मैंने उसके लिए 20 लाख रुपए दिए हैं, वो भी कैश में, स्पॉट पेमेंट। अगर वो मुझे नहीं मिले ना भाई, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगा, या फिर गले में फांसी लटका के मर जाऊंगा। लेकिन बेटा मैं मौत से बहुत डरता हूँ। तुम आशिक हो ना? लेकिन मैं आशिकों का आशिक हूँ। लेकिन तुम भी मौत से डरते हो ना? तुम भी मरोगे नहीं ना, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो ना। अगर मुझे मौत आई तो भी चलेगा, लेकिन जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे डर नहीं है किसी का, और उसे भी किसी को डराने नहीं दूंगा। अरे आराम से आराम से।
अरे छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। इस गलती को मैंने की है, मुझे इसे सुधारने का मौका दो। नहीं, अगर मैं आऊंगा तो इस घर में दामाद बनकर आऊंगा। ए चलो रे, गाड़ी निकालो। देवयानी, तुमने तो बताया था ना कि वो लड़की जवान और कुंवारी है। अगर वो जवानी खराब हो गई ना, तो ये चटियार अच्छे आदमी के लिए अच्छा है और बुरे लोगों के लिए उससे भी बुरा है, याद रखना। वाह बहुत बढ़िया, अच्छा शगुन है। अच्छा हाँ हाँ, ये लो ये लो, आहा ओहो आहा, ये लो 500 रुपए, ये लो 100 रुपए, आओ लाओ आहा। देवी माँ, आपने उसे तो अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुप करो, अगर तुम्हारी मौत से भी गुजरना पड़े तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तू जिंदा बचना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। क्या हुआ, चलो चलो। अरे इसे भी ले लो रमेश, वो सब भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। किसी को ऐसे ही भूल सकते हैं क्या? अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जब मैं उसे खोने लगा हूँ। अरे तुम अपनी रोना बंद करो, वो लोग बड़े आदमी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि वो मुझे चाहिए और उसके बिना मैं पांडवपुरम नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम बेकार अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो, अपना फैसला बदल लो रमेश, ये कोई खेल नहीं है, तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा या फिर जलकर राख हो जाऊंगा। अरे एक रंडी की औलाद के पीछे। चुप रहो। रंडी? रंडी की औलाद बोल रहा है? भले ही वो रंडियों के बीच में पली बड़ी है, लेकिन लेकिन उसमें उसका उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? अरे कहाँ है वो, अब तक आई क्यों नहीं? अरे आ रही है मालिक, लो आ गई मालिक। क्या बात है मालिक? अगर बार बार कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मेरी और शक्ति बढ़ेगी, और बीच में चट्टान रहेगा तो शक्ति और बढ़ेगी, समझी क्या? चल जा लेके आ, जल्दी लेके आ। मैं कुछ समझी नहीं। ये कविता है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर वो मेरा दुश्मन है तो इस चिटियार की और भी शक्ति बढ़ेगी, और वो यहाँ पर है शिवानी का लवर। ऐसा कुछ नहीं है मालिक। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ बंगला खरीद लिया है, मैं अपनी छोटी सी शिवानी के लिए उसे यहाँ रखने वाला हूँ, बहुत प्यार से रखूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा, मैं पूरे रोड को लाइट से सजा दूंगा, बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ, नाच गाना तो ऐसा होगा कि किसी मारवाड़ी की शादी में नहीं देखा होगा, डांस पार्टी ऐसा होगा मजा आ जाएगा, क्या बोलती हो? जरूर। क्या जरूर? होगा। पास नहीं आना। छोड़ो उसे, मत मारो। जल्दी चलो। मणि भाई, छोड़ो मुझे। मणि मामा, चलो शिवानी।
दिव्यानी। अरे क्या हुआ? अरे आ, कुछ नहीं हुआ, बेहोश है, बस बेहोश हो गई है। अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, बाद में लेकर जाना, मरने के बाद पोस्टमार्टम करेगा इसका। उसे प्यार करेगा तो उसे छोड़ूंगा क्या? मैं मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे मारने के लिए मत बोलो देवी माँ, उसे मारने के लिए मत बोलो देवी माँ। मारूंगा, लेकिन मुझे एक डाउट है, इतने दिन उसके साथ लेकर अब तक तुम तवारी कैसे रह सकती हो? मैं इससे शादी करने जा रहा था, मैं उसे खत्म कर दूंगा। 20 लाख रुपए मुझसे लेकर मुझे धोखा देने की सोचती है। अगर इसने अपनी जवानी खो दी ना तो इस जिंदा नहीं बचेगी, और साथ साथ में मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी क्या? तुम दोनों हट यहाँ, हट यहाँ, हट अंदर जा, हट अभी। बात क्या कर सकता हूँ? आपकी वजह से सब हुआ। देवी माँ, तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है ये, लेकर जाओ इसे। किसी की भी नजर पड़ने से पहले निकल जाओ, निकलो। रमेश, जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग मुझे मार देंगे, ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ रमेश। मैं भी आता हूँ, रुको मैं भी आता हूँ।